अपनी आमी जबान यानी उर्दू लिश में बात करेंगे. सही है. असल जो हमारा टॉपिक है पैराडॉक्स, उसको उसकी तैयारी करने के लिए उसकी ये क्या चीज है, मुझे 50 स्लाइड लग गई. तो जो असल मौजूद है उस पर बहुत थोड़ी सी बात होगी. मुझे लगता है उसका प्रेपरेशन बैकग्राउंड बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए वहां से शुरू करते हैं बात. तो सबसे पहली बात तो समझनी है कि आप लोगों में से कितने मैट्रिक्स मूवी किसने देखी है. सबने देखी होगी. अच्छा नहीं. अच्छा तो इसमें ये एक मूवी है जिसमें लोग जो हैं वो बंद हैं पॉड्स के अंदर. उनके दिमाग में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस के जरिए से एक आर्टिफिशियल रियलिटी क्रिएट की जाती है, जिसको मेटावर्स कहते हैं आजकल. तो बात ये है कि असल में हम लोग भी इसी तरह की एक दुनिया में रह रहे हैं और हमारे दिमागों को कंडीशन किया गया है और हमें इसका कोई एहसास नहीं. ये मैट्रिक्स जो है ये एक हकीकत को बयान करता है. ये मेरी तस्वीर है, पासपोर्ट फोटो, जब 1980 की बात है. मेरे लंबे लंबे बाल हैं, चश्मा टेढ़ा है, बट खैर इस शोज़ के मेरा ज़्यादा यानी वो अपीयरेंस पे फोकस नहीं था. मगर उस वक्त मैंने मुझसे कोई पूछता कि आपके लंबे बाल क्यों है, मैं कहता बस अच्छा लगता है. मुझे ये नहीं पता था कि वियतनाम की जंग छिड़ी हुई 1971 में जब मैं पहुंचा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ड्राफ्ट जबरदस्ती भेजा जा रहा था जंग में, वो बहुत सारे मर रहे थे. तो एक पूरा मूवमेंट था ये हिप्पी मूवमेंट, जो कि इसीलिए शुरू हुआ कि एहतजाज करना है हमें कि हम मुफ्त में मारे नहीं जाने चाहते हैं. तो ये सारी एस्टेब्लिशमेंट की जो वैल्यूज हैं ये सब गलत हैं और पीस होनी चाहिए और मोहब्बत होनी चाहिए और वगैरह वगैरह. तो उन्होंने सारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी उस सबको रिजेक्ट करना उन्होंने किया. तो जिसमें एक बात ये थी कि सब लोग अपना बाल छोटा रखते थे, उन्होंने अपना बाल लंबा रख लिया. मगर तो ये मैं जो हूँ वो इस वजह से कर रहा था, मगर मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था. मैं तो बस रखा था कि बाकी लोग भी रख रहे हैं, मैं भी रख रहा हूँ और इसमें कोई कबाहत नहीं है. तो इसी तरह से मेरे चेहरे पे कोई दाढ़ी नहीं है. क्यों? हालांकि हमारी तहजीब में दाढ़ी बहुत यानी आम है, मगर इसलिए कि इसकी भी वजह यह है कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया तो उनका कल्चर हमारे कल्चर पर गालिब हो गया. हमने उन लोगों की कदरों को इख्तियार कर लिया, अपनी कदरों को पसमानदा समझने लगे. तो फिर मैंने भी दाढ़ी नहीं रखी. तो हमारे इस उम्र में हमारे कोई भी नौजवान दाढ़ी नहीं रखता इल्ला माशाल्लाह. तो मगर तो ये दाढ़ी का ना होना ये हिस्ट्री की इम्पैक्ट है मेरे शक्ल पे. मगर नजर आ रहा है कि मैंने पूरी तरह से अपने मुल्क को खैरबाद नहीं किया हुआ. ये जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है ये वेस्टर्न नहीं है. तो बात ये है कि तारीख जो है वो कौन लिखता है? फातह लिखता है, मफतूह तो नहीं लिखता है. तो सारे अमेरिका में जो है वो कोलंबस के स्टैचूज हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा हीरो है और इसने जो है वो अमेरिका को डिस्कवर किया था और अल्लाह और बला बहुत सारी उसकी तारीफ मिल जाती है अगर आप ढूंढें. मगर अब ये एहसास पैदा हुआ है कि वो असल में बहुत ही ख़राब आदमी था. उसने जो है वो बहुत ज़्यादा कत्ल किए और हर किस्म के जुल्म किए. और इसकी स्टोरीज जो हैं वो अब मिलती हैं. एक किताब है जिसका नाम है हार्वर्ड ज़िन किताब है और उसमें उसने उसकी तारीख बतलाई है कि असल में क्या हुआ था और उसने असल में क्या होता है. इसके रिस्पांस भी हुई है कि वो क्या कहते हैं, हाँ उसके स्टैचूज तोड़ के गिरा दिए गए हैं और कोलंबस डे का नाम बदल दिया गया है इंडिजिनस पीपल्स डे है कि ये उन लोगों को जिसने जिसको इसने कत्ल किया था उनका नाम आए.
तो ये एक स्टोरी है जिसको ग्राफ में दिखलाया जा रहा है कि यूरोपियों ने तकरीबन सारी दुनिया को फतह कर लिया। तो इस फतह को समझना, हम लोग समझते हैं कि फतह के माने आप बंदूक लेके गए और लोगों के ऊपर राज कायम कर दिया, मगर असल हकीकत ये फतह की नहीं है, बल्कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि कॉलोनाइजेशन जो है वो दिमागों की फतह होती है, दिलों की फतह होती है। ये नहीं है कि वो आपकी मिलिट्री आ गई आपके ऊपर, क्योंकि आपके मुल्कों में लाखों लोग हैं, मुट्ठी भर के अंग्रेज हैं। अगर उन लोगों के दिल में उनकी अताअत का जज्बा ना हो तो कभी भी वो उनके ऊपर कानून नहीं आ सकते, नामुमकिन। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को पटाया और गलाया, अपने साथ मिलाया और बाकियों को इस बात पे राजी कर दिया कि ये गोरा आदमी तो बहुत अच्छा आदमी है और इस तरह से हम लोगों सब की इन्होंने कंसेंट हासिल कर ली कि हम लोग ने कहा कि हाँ ठीक है, यही हालात अच्छा हैं, हमारे आबा अजदाद बुरे थे, हमारे बादशाह बुरे थे और वो हमें अच्छी तरह से रूल नहीं करते थे, वो हमारे पर जुल्म करते थे, ये अंग्रेज रहे तो मुनफिस मुनसिफ है और आदिल है और इसके अंदर सारी दुनिया की अच्छी अच्छी सिफात हैं, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, इसलिए हम इसी लायक के हैं कि हम इनकी गुलामी करें। तो ये जो अब लोग कहते हैं इसके खिलाफ के, ठीक है आप कह रहे हैं कि गुलामाना जहनीत पैदा हो गई, मगर ये तो आजादी हमें 1947 में हासिल हुई, तो अब तो बहुत साल हो गए, अब इसका रोना ना रोएं। तो बात ये है कि ये जो गुलामी की गुलामाना जहनीत है, इसका जो इंस्ट्रूमेंट है ये कैसे पैदा की जाती है, ये वेस्टर्न एजुकेशन के जरिए से पैदा। तो आज भी वही वेस्टर्न एजुकेशन हमें मिल रहा है, उसमें वही सबक हैं जो कॉलोनाइजेशन के हैं। और वो क्या सबक हैं कि वेस्ट हमसे सुपीरियर है, वो एडवांस्ड है, वो डेवलप्ड है, हम लोग इंफीरियर हैं, हम अंडर डेवलप्ड हैं, हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, वो लोग महजब हैं, हमारी कौम जो है वो गैर महजब है, हम लोग जंगली हैं, वहशी हैं, हम लोगों को कांटे छुरी से खाना नहीं आता था, हम लोग दरख्तों में रहते थे, ये सब ख्यालात पैदा होते हैं। अब एक ईमेल की तरफ आते हैं, जमील जफर लाहौर से ईमेल करते हैं, उनका कहना है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बेशक पीछे हैं लेकिन अखलाकी इकदार में हम वेस्ट से बहुत आगे हैं। अखलाकी इकदार का तल्लुक आपके लिबास के साथ नहीं कि शलवार पहना है स्कर्ट पहना है, आप समझ रहे हो, आपने ब्लाउज पहना है या कमीज पहनी है, इसका तल्लुक बताऊं। वो हजरत अली से किसी ने कहा कि फलाना सोमो सलाद का बड़ा पाबंद, उन्होंने कहा छोड़ो इसको, वो मामलात में बताओ कैसा है। तो हम हमारे यहां तो कोई ढंग की चीज है ही नहीं, अल्लाह माफ करे, ये गला सड़ा हुआ मुआशरा है जिसके पल्ले नदामत भी नहीं रह गई। एक तो होता है ना लेवल कि बंदा नादिम हो, मैं गिनाता हूं चंद चीजें, पूरी दुनिया महजब दुनिया में इसका आपको हजारवा हिस्सा भी इस गंदगी का नजर आए, मैं अपनी गर्दन काट के आपके हुजूर खुद पेश करूंगा। सुनते जाओ, कम तोलना, मिलावट, झूठी गवाही, अदालतें जाके देखो ढेर लगे हुए हैं पेशावर गवाहों के, ठीक है, जखीरा अंदोजी, तजावजात, नाजायज मुनाफाखोरी, सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जा, पूरे मुल्क के जंगल बेच के खा गया टिम्बर माफिया, मसनूई महंगाई, ब्लैक मार्केटिंग, गंदा दूध, जाली दवाइयां, जाली पासपोर्ट, जाली जातें, जाली वीजे, बकरों को हलाल करके तकबीर पढ़ने के बाद गंदा पानी इंजेक्ट करते हो बीच में, तुम्हारे डॉक्टर हड़ताल करते हैं, अखलाकियात की बात, कौन सी अखलाकियात, पल्ले क्या है। महजब दुनिया में जाके कहो, पूछो कहीं ये दूध में मिलावट तो नहीं, उनको तुम्हारी बात समझ नहीं आएगी, आप उधर जाके बात करो, ये जो जाली दवा तो नहीं है, आप यकीन करो वो समझने से इनका उनको उनके गुमान में भी नहीं। बस काफी हो गया। तो ईमेल की तरफ आते हैं,
अब जो ये मैं क्लिप दिखलाता हूं तो आम तौर पे रिएक्शन ये होता है कि हाँ तो हक बयान कर रहा है, ऐसा ही है, हम लोग ऐसे ही हैं, जलील लोग हैं, हमारी कौम ही जलील कौम है, तो क्या कर सकते हैं इस हकीकत से, तल्ख हकीकत से इनकार तो हम नहीं कर सकते। तो ये है उलमाना ज़हनियत, क्योंकि ये सारी बातें जो इसने बतलाई हैं वो सब हम लोग यानी बुराइयां जो हैं वो हर माशरे में मिल जाएंगी, एक एक करके हम इनको डिटेल में इसकी रिबटल दे सकते हैं, मगर हमारा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि हम हसन निसार से आर्ग्यू करें, बल्कि हम इससे ज्यादा ऊपर की सतह पे बात करना चाहते हैं। आखिर एक जहन में ऐसी बात पैदा कैसे हुई कि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल ही जानवर की तरह से हैं, वो लोग जो हैं वो फरिश्ते की तरह से हैं, हालांकि ऐसी कोई हकीकत नहीं बल्कि तो ये बात समझने की, और ये बात और इसके बाद दूसरी बात ये है कि इस रोशनी में अपना मुआयना करना है कि दरअसल तो मसला यहाँ पे कि हम अपनी तशखीस करें कि हम इसमें किस कदर मुब्तला हैं, और ये बीमारी है जो कि सारी यानी जो भी यानी इब्न खलदून ने कहा था कि जिस कौम के ऊपर हमारी कौम फतह करती है तो उसके अंदर गुलामाना ज़हनियत पैदा हो जाती है, वो हमारी हर चीज में हमारी नकल उतारते हैं, हमारे लिबास, हमारा खाना, इसी तरह से हमारे अंदर भी ये बीमारी पैदा हो गई है, और इसकी तशखीस करना और इसका फिर इलाज करना ये हमारा निश्चल मकसद है। तो अब एक्चुअली दो दो नजरिए हयात हैं, एक तो हमारा इस्लाम हमें बतलाता है कि सारी दुनिया अंधेरे में थी, फिर हिदायत का सूरज जो है वो बतहा में मदीना में मक्का में तलू हुआ और उसकी रोशनी से सारी दुनिया में हिदायत फैल गई, ये एक ये स्टैंडर्ड इस्लामिक है, और ये कुरान का भी यही मैसेज है कि ये कुरान जो है वो अल्लाह ताला का बेहतरीन तोहफा है इंसानियत के लिए, और अल्याम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, और ये तुम्हारे लिए बेहतरीन नेमत है जो अल्लाह ताला ने दी है, और ये कि मोमिन जो है उसके पास इल्म का नूर है और काफिर जो है वो तो अंधेरे में है, तो ये सारी बातें हैं, मगर हमारा वेस्टर्न एजुकेशन इसका हमें एग्जैक्टली ऑपोजिट दर्श देता है, वो कहता है कि सारी की सारी इंसानियत जो है वो अंधेरे में थी, तारिकी में थे, जहालत में थी, गुमराही में थी, जब तक के 16वीं सदी में रैशनैलिटी यानी अकल का सूरज जो है वो यूरोप में तुलू हुआ और उसकी रोशनी में हम लोगों ने सारी अपनी सुपरस्टिशंस को छोड़ दिया और ऐसी हैरत अंगेज तरक्की की हर फ्रंट पे कि सारी दुनिया पे हम छा गए, और फिर हमारे ही इल्म के नूर से इस वक्त सारी दुनिया में रोशनी है, और इसकी दलील है वो बल्ब देखें, वो हमने बनाया कि उन्होंने बनाया, तो इसके कौन इनकार कर सकता है। अब इतनी बड़ी इतनी पावरफुल दलील है और इतना बड़ा दावा है, मगर ये सारा का सारा इस्लाम से तो बिल्कुल मुखालिफ है, क्योंकि जितनी भी आपने कॉलेज में पढ़ा कहीं पे किसी कुरान की आयत से कोई आपको केमिस्ट्री का सबक नहीं नजर आया, और ना आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा और ना आपने बायोलॉजी में पढ़ा, तो बजाहिर ऐसा ही मालूम होता है कि इस वक्त सारे मुफीद उलूम जो हैं वो अहले मगरिब ने वजह किए हैं और हमारे कुरान में जो कुछ भी था वो ऑब्सोलीट हो चुका है, आजकल के जमाने के लिए मुफीद नहीं है। तो बेसिकली जो तालीम हमें दी जाती है उससे यही हम हमारे अंदर ये इस्लामिक वर्ल्ड व्यू के बरखिलाफ वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू पैदा हो जाता है, क्योंकि यानी चार नाचार वो चाहे इस बात को बचाए इस बतलाएं चाहे नहीं बतलाएं, यानी इसको एक्सप्लिसिटली बतलाएं, क्योंकि सारी किताबें जो हम पढ़ते हैं सब मगरिब से आई हैं, तो इससे जाहिर पता होता है, और हमारी उलूम का कोई तज़किरा नहीं, तो ऐसा लगता है कि गजाली ने भी कुछ नहीं किया, इब्न हैसम का कोई तस्करा नहीं, अलकिंदी, फराबी, बेरानी, जो कुछ भी उन्होंने किया किया होगा अपने जमाने में रुस्तम रहे होंगे, मगर आजकल उनके इल्म से हमें कोई फायदा नहीं हो सकता, आज हमें पढ़ना है तो फिर वो मगरिब का सबक पढ़ना है, रास्ते पे चलना है तो उस राह पे जो मगरिब वाले हमें दिखाए, कुरान और हदीस जो रास्ता दिखाता है वो आजकल के लिए
मतरूक हो चुका है आज का जमाने के लिए। कुरान हमें अंधेरे से रोशनी नहीं दिखला सकती आज। अगर हमें रोशनी चाहिए, हमें हिदायत चाहिए, तो हमें मगरिब वालों से मांगनी होगी। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू है ये कि हम लोग जंगली हैं, हम लोग जानवरों की तरह से। और ये 1958 में ब्रसल्स में दुनिया आलमी मेला हो रहा है, जिसमें जंगले के अंदर एक लड़की को उन्होंने नुमाइश पे डाला हुआ है कि ये एक जानवर की तरह से है। और उसको देखो खाना खिला रहे हैं, बहुत बहुत रहमदिल होते हैं ये अहले मगरिब। तो इस तरह से एक नहीं यानी बहुत सारे मेले होते रहे वहां, जिसमें मुख्तलिफ कबीलों के लोगों को उन्होंने नुमाइश पे डाला कि ये इस किस्म के भी नमूने होते हैं। तो जॉर्ज एरवेल की 1984 की बहुत बेहतरीन किताब है कि ताकत क्या है। ताकत ये नहीं है कि गोली है, एटम बम है, वो है फौज है, बल्कि ताकत ये है कि इंसानी दिमाग को तुम टुकड़े टुकड़े कर दो और उसके बाद अपनी शक्ल में उसको फिर से पैदा करो। और ये कि अगर तुम्हें हुकूमत करनी है तो उनके दिमागों को के ऊपर कब्जा कर लो। और ये कि असल में जब इंसान की अपनी जिंदगी की हकीकत पता चलेगी तो उसको पता चलेगा कि तुम्हारे ऊपर तो किसी चीज का कब्जा नहीं था, सिवाय वो जो थोड़ा सा दिमाग तुम्हें दिया है, ये तुम्हारे कब्जे में था, इसमें तुम अपने ख्यालात को सही कर सकती थी। मगर अगर तुमने इसके ऊपर किसी और ने कंट्रोल कर लिया तो फिर अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। झुका तो जब गैर के आगे तो न तन तेरा। तो बात समझने की, हम लोगों को एक फलसफा है जिसको कहते हैं मटीरियलिज्म, और इसको ये कूट कूट के भरा हुआ है मगरबी तालीम में कि हमारी जिंदगी जो है उस वो इस पे डिपेंड करती है, मटेरियल कंफर्ट्स पे, कुर्सी में बैठे और एयर कंडीशनर हो और गाड़ी हो और घर हो। और हम लोग जो है जिस दुनिया में रहते हैं वो उसमें जंगल है, पहाड़ है, दरिया है, और ये है दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं। मगर ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वो हमारे ख्यालात से बनती है और हमारे ही जहन उस दुनिया को पैदा करता है। चुनांचे इसका बहुत सारे हमारे शुआरा ने इस हकीकत को इजहार किया है कि मुझे शेर नहीं याद आ रहा है, मगर उसका यह है कि तुम एक कतरा नहीं हो जो कि, बल्कि तुम एक पूरा समुंदर के अंदर एक कतरा नहीं हो, बल्कि तुम पूरा समुंदर हो जो कतरे के अंदर बंद है। तो सारी दुनिया हमारा दिमाग पैदा करता है, क्योंकि जरा सोच हम किस दुनिया में रहते हैं। तो आप देखेंगे कि हम मैं कौन हूँ, मैं कौन सी दुनिया में रहता हूँ, तो कल क्या हुआ और हमारी कौम के साथ क्या हुआ और हिरोशिमा में क्या हुआ और यूरोप में क्या हुआ, ये सारे वाकयात हैं जो हमें सुनाए गए हैं, हमने कभी उनका मुशाहदा नहीं किया, देखा नहीं। तो जिस दुनिया में हम रहते हैं, ताकि अपनी जाती तारीख भी वो हमारे दिमाग ही ने कंस्ट्रक्ट की है, कोई भी हमारे साथ वाकया होता है तो उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि अच्छा फलाने शख्स ने मेरी तरफ देखा, वो मुझे तिरछी निगाहों से देख रहा था तो वो मुझसे गुस्सा गया, ये हमारा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि उसने तिरछी निगाह में ना देखा हो। मगर तो हमारे दिमाग पूरी वो किस्सा वजह करता है जो कि उस दुनिया का जिसमें हम लग रहे हैं। तो ये मगर जो मटेरियलिस्टिक व्यू है वो ये सब चीजों को अहमियत नहीं देता है, वो कहता है कि जो असल चीज है वो तो फैक्ट है और ओपिनियन का तो कोई वैल्यू ही नहीं। तो ओपिनियन तो सब्जेक्टिव है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं, इंसान की कोई कीमत नहीं, इंसान के ख्याल की कोई कीमत नहीं। असल चीज जो है वो ऑब्जेक्टिव है, फैक्ट है, रियलिटी है, ये दीवार फैक्ट है, ये कीमती है, मेरा ख्याल इसके बारे में क्या है इसकी कोई कीमत नहीं। तो अगर ये तारीख जो हमने सुनी है कि अहले मगरिब की बहुत ही एडवांस तहजीब थी और उन्होंने इस तहजीब को लेकर सारी दुनिया में सिफते जाम फिरे और हम लोग सबों को महजब बनाया, तो
ये तारीख अगर हम सुनेंगे तो हम इसको, और यही हमें पढ़ाई गई है तो हम इसको कबूल कर लेंगे, मगर अगर ये तारीख फातह का प्रोपेगेंडा है तो फिर हमारे दिमागों में प्रोपेगेंडा भरा हुआ है, और ऐसा ही है। तो जो हमें पढ़ाया जाता है तारीख, वो यानी कि बैनुस्सतूर है, यानी कभी कभी इसको एक्सप्लिसिटली भी तज़किरा कर दिया जाता है, मगर इस बुनियाद पे सारे मगरबी उलूम पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से ये पांच मैंने बातें लिखी हैं, हालांकि बीसियों हैं, बीसियों बड़े बड़े झूठ हैं, और एक मेरे कई आर्टिकल्स हैं जिसमें मैंने एनालाइज किया है कि यानी एक दर्जन मिथ्स जो कि हमने कबूल कर ली हैं। तो यहाँ पे मैं चंद एक उनमें से ले रहा हूँ। एक तो ये है कि यूरोपियन में एक इनलाइटमेंट हुआ जिसको तहरीक तनवीर कहते हैं, और यूरोप अचानक मुनव्वर हो गया। ये कैसे मुनव्वर हुआ, उसका सूरज कहाँ से आया, बस ये खुद ब खुद पैदा हो गया। ये कहाँ से आया ये कभी नहीं मिलेगा, क्यों कहाँ से आया इसकी बात, इसकी हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद ये बात बहुत जगह आपको लिखी भी मिल जाएगी इनके तारीख दानों में कि यूरोप इतना आगे बढ़ा हुआ इसलिए कि ये यानी बला के जहीन है, इनके अंदर जो अबिलिटी टू रीजन है, इनका जो साइंस है, इनका जो अदल है, इंसाफ है, इनके यानी ये सारी फरिश्ता सिफात इनके अंदर हैं, और बाकी सब लोग कोरे हैं, बल्कि जानवर हैं। तो तीसरा झूठ जो हमें बतलाया जाता है वो ये है कि इन्होंने सारी दुनिया एक हमदर्दी के जज्बे में, इंसानियत के जज्बे में फतह की, कि हमने देखा कि हम इतने आगे निकल गए हैं, बाकी सब लोग जंगलों में हैं और दरिंदे हैं और जाहिल हैं, तो हम जाके इनको इनको जरा सिविलाइज करें, और इसकी खातिर यानी इनका खून भी बहाना पड़े तो भी कोई मजाक़ा नहीं है, क्योंकि जंगली लोगों का साथ हम लोगों को ऐसा ही मामला करना होगा। और ये कि जब से यूरोपीय काम का उरूज हुआ है तो सारी दुनिया पे हैरत अंगेज तरक्की के रास्ते पे गामजन हो गए, जिसकी दुनिया में कभी कोई नजीर नहीं मिलती। अब एक्चुअली ये सारी दलील हम लोग अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं, तो अब यहाँ पे एक बहुत अजीब सा अचंभा पैदा हो जाता है कि या तो वो तरक्की थी या ये तरक्की है, दोनों को तरक्की होना मुश्किल है। और ये कि फिर ये यूरोप की जो तरक्की है गोया इंसानियत की तरक्की है, और उनके उनके जो उलूम है उससे सारी इंसानियत को मुनाफा हो रहा है। ये पांच बातें हैं इसमें, मैंने इसको बीसियों तक बढ़ा सकते हैं, मगर अभी मोटे मोटे ये पांच दावों के लिए। अब जरा वक्त आया कि हम एग्जामिन करें कि ये कौन लोग हैं जो हमें एनालाइज कर रहे हैं और हमें बतला रहे हैं कि तुम ऐसे हो और तुम वैसे हो। हम भी जरा उनको देख लें कि ये कैसे हैं, तो क्या वो इस लायक हैं कि वो हमारे ऊपर जजमेंट पास कर सकें, हमारे बारे में फैसला कर सकें। तो ये अब मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि ये कहते हैं कि एक डार्क एजेस थी यूरोप पे, जो सारा अंधेरा था, तो ये कैसे शुरू हुई। तो बात ये है कि ईसाइयों में 200-300 साल तक तो वो बेचारे बहुत ही जुल्म सहते रहे, और उनके ऊपर जो है वो बहुत ही जुल्म किया गया, क्योंकि रोमन एम्परर्स जो है वो ईसाइयत को मानते नहीं थे। फिर कॉन्स्टेंटीन ने जो है वो ईसाई कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद उसने कहा कि ऐसा करना चाहिए कि सारे रोमन एम्पायर को एक दीन पे इकट्ठा कर दिया जाए, ताकि आपस में इस मामले में लड़ाई नहीं हो। तो इन्होंने जो है वो बाकी सारी चीज़ों को, जिसका भी क्रिश्चियनिटी से इख्तलाफ था, उन सब चीज़ों को उन्होंने ख़त्म करना शुरू किया, जला दिया, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज जला दी, और बड़े बड़े लोगों को यानी बहुत ज़ालिमाना तौर पे कत्ल कर दिया। तो ये बहुत अजीब बात है कि उनके 3 सदियों में तो उनके ऊपर बड़े बड़े जुल्म हुए और उसके बड़े गुस्से हैं, फिर उन्होंने इसी का बदला निकाला कि बाकियों पर बड़ी वहशियाना मजालिम ढाए। तो मगर इसका असर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि बस नॉलेज है तो वो बाइबल में है, बाइबल में जो नहीं है उस सबको खारिज कर दो। तो इनके पास कुछ भी नहीं रह गया इल्म का, थे बहुत सारे इल्म, मगर लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में बहुत सारी किताबें थी, मगर वो सब उन्होंने जला दी। तो
इस वजह से डार्क एजेस पैदा हो गए थे, इल्म था ही नहीं किसी किस्म का। तो अब ईसाइत के जो पहले 500 साल हैं, इसमें बाज ऐसी चीजें हुई जिसने मगरबी माशरे की बुनियाद रखी और वो गया उनकी गट्टी में पिली हुई है। और ये चूंकि हम लोगों के क्या इसका तसव्वुर भी नहीं है, हम लोग सोच भी नहीं सकते, जैसे वो कह रहे हैं ना कि वो तसव्वुर नहीं कर सकते झूठ बोलने का, तो दरअसल बात ये है कि झूठ इतना उनकी गुट्टी में पिला हुआ है। एक टाइम्स का आर्टिकल था, द ट्रूथ इज फ्रंट पेज स्टोरी है टाइम की, द ट्रूथ इज दैट वी आर ऑल लायर्स, और उसमें उसने उसकी दलायल दिए थे। तो हकीकत ये है कि ईसाइत में शुरू ऐसे हुई कि तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो कभी दावा ही नहीं किया था कि मैं खुदा हूँ, और ये बात बिल्कुल मुसल्लम है। और ये जो मैंने रेफरेंसेस दिए हैं मुसलमानों की किताबों से नहीं दिए हैं, ये बार्ट एयरमैन है, ये बहुत कट्टर किस्म का फंडामेंटलिस्ट ईसाई होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने जो है वो इसको छोड़ा। इससे बहुत से लोग इससे यानी इसके वीडियोज बहुत सारे हैं देखें, तो उसके बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम तो मुसलमान हो, तो बहुत गुस्से हो जाता है कि इसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है और मुसलमानों को कोई खास अच्छा नहीं समझता है, मगर तो इसकी वजह से इसकी गवाही में ज्यादा मजा आता है क्योंकि ये अपनी ही किताबों से ऐसे दलील देते हैं कि ईसाई इससे निमट जाएंगे। तो बहुत वाज़ह स्टोरी है जो उसकी उसने पीस बाई पीस बतलाया, हिस्टोरियन है कि कैसे ईसा अलैहिस्सलाम खुदा कैसे बन गए, क्योंकि उन्होंने तो कभी दावा नहीं किया ऐसा, मगर तो फिर वो क्या प्रोसेस हुई। तो उसने कहा कि उसने पूरे इसकी किस्सा सुनाया जिसमें हम लोग इस वक्त तफसील में नहीं जाते हैं, मगर बात यह है कि जब वो लोग ईसा को खुदा बनाया तो बाइबल तो भरी हुई है अल्लाह ताला की वहदानियत से, और इस बात से भी कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, और ये भी कहा है कि अल्लाह ताला आप बड़े हैं और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने, और इस किस्म की किसी उनके हवारी ने उनसे कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा था बाइबल में लिखा हुआ कि वाई डू यू कॉल मी गुड, ओनली द फादर इज गुड, मैं तो कुछ भी नहीं। तो अब जब उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बनाया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो गए, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें से यानी उसको हल करते करते वो 1=3 तक पहुंच गए। अब 1=3 ऐसी एब्सर्ड बात है कि इसका कोई दिफा मुमकिन नहीं है। चुनांचे बहुत सारे फिरके बने जिन्होंने इस इम्पॉसिबल चीज को कोई ना किसी सांचे में ढालना चाहा, और इनकी आपस में लड़ाइयां हुई कि ये एक कुछ कहते थे कि हजरत यानी अल्लाह ताला अजल से मौजूद थे और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उन्होंने कहा फिर पैदा हुए तो फिर वो खुदा कैसे हो सकते हैं, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम भी अजल से मौजूद थे। अब इसमें जो है वो काफी सारी लड़ाइयां झगड़े, क्योंकि बाज कहते थे कि ऐसा है बाज कहते हैं ऐसा नहीं है, और यानी इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता होगा बाप का और बेटे का, कि जिसमें दोनों बराबर भी हों मगर एक बाप भी हो, इसका कोई रिजॉल्व नहीं है। तो एक इसकी किताब है दी अर्ली क्रिश्चियनिटीज, यानी कितने सारे मुख्तलिफ फिरके बने, मगर वो सब कॉन्स्टेंटीन ने सारों को सप्रेस कर दिया, कहा कि अब एक ही बनेगा। उस सप्रेशन में जो फिरका उभरा उसने बाकियों को जबरदस्ती खत्म कर दिया, और इस सिलसिले में उन्होंने झूठ बोला और बहुत सारी गलत झूठी बाइबल्स लिखी जो आज भी बाइबल में शामिल हैं, और इस पे यानी दस्तावेजी सबूत है जो बार्ट एयरमैन ने दिया है किताब फौज के, वो नकल की गई है कि ये किताबें इसलिए बनाई गई ताकि हक की वो हो सके, यानी जो उनके नजदीक हक था उसको यानी ट्रिनिटी उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने झूठी किताबें लिख दी। तो ये बात कि हक को बयान हक की तरफ पहुंचने के लिए हम झूठ बोल सकते हैं, ये क्रिश्चियनिटी के फंडामेंटल्स में है, यानी जिस बुनियाद क्रिश्चियनिटी की इसी बात पे। चुनांचे आज भी ये स्ट्रेटजी आम इस्तेमाल होती है, यानी वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल थॉट में ये हर जगह मिल जाती है। तो ये क्रिश्चियनिटी के जो अर्ली एक्सपीरियंस है इसी बुनियाद पे पूरा मगरबी उलूम का की बुनियाद रखी गई है। इसमें एक बात यह है कि हक की खातिर झूठ बोल सकते हैं। अब कुरान को देख लें वो क्या कहता है कि
अगर तुम्हारे खिलाफ हो, जात के खिलाफ हो, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे कबीले भी जद में आ जाए, फिर भी तुम झूठ नहीं बोल सकते। झूठ अपने खिलाफ भी हो जाए तो अब तुम्हें गवाही देनी है। अब इसके खिलाफ इनके यहाँ देखें कि एक चीज है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको कहते हैं फिफ्थ अमेंडमेंट, और अगर किसी शख्स को कहा जाए कि तुम फलानी चीज के बारे में गवाही पेश करो, तो अगर वो गवाही के लिए तलब किया गया तो उस पर फर्ज है यानी लीगल कि उसको सारा वाकया सच्चा सच्चा बयान करना है। मगर फर्ज करें कि उससे बारे में पूछा जा रहा है कि अच्छा फलाने मौके पे वारदात हुई थी तो इसके बारे में तुमने क्या देखा या तुम अपना बतलाओ, तो वो ये अगर वो इस जुर्म में मुलव्वस है और वो उसकी गवाही तलब की जा रही है तो वो ये कह सकता है कि आई टेक द फिफ्थ, मैं नहीं बतलाऊंगा क्योंकि अगर मैंने बतलाया तो ये मुझे इंक्रिमिनेट कर देगा, मैं भी मुजरिम साबित हो जाऊंगा। तो हर इंसान को ये कहते हैं कि हक है कि अपने आप के खिलाफ गवाही नहीं दे, तो ये उनके कानून में कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कुरान क्या कहती है कि नहीं, अपने खिलाफ भी हो तब भी तुम गवाही दोगे। तो यानी हमारे यहाँ जो हक परस्ती है वो उनसे बदरजहा बेहतर है। ईसा अलैहिस्सलाम की एक बहुत खूबसूरत मकूला है जो बाइबल में मनकूल है, लिख के रखे। मैं अभी बहुत सारी कीमती बातें हैं जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ मगर तुम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर मेरे बाद जो आएगा नबी और द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ वो सारी बातें बता देगा। तो ये जो डार्क एजेस ऑफ यूरोप थे ये इसको गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहा जाता है। इसमें जो है वो इसकी इब्तिदा तो जाहिर बात है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, उसके बाद 10वीं सदी में कागज आ गया जिसकी वजह से किताबें फैल गई, इतने सारे यानी कागज की टेक्नोलॉजी चाइना से आई, और उसकी फोटो लेने की जरूरत नहीं, आपको मिल जाएगा पूरा वो स्लाइड्स में दे दूंगा। अरबों ने चूंकि कुरान में बहुत ज्यादा इल्म की फजीलत आई है, बहुत ज्यादा रब्बे जिदनी इल्मा, और बल्कि शुरू ही होता है कि इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में बैठे हैं और अपने रब को ढूंढ रहे हैं, तो अल्लाह ताला की तो सिफात यानी 100 नाम हैं और उनकी सिफात जो है वो समंदरों की पानी को रोशनाई बना दें तो खत्म ना हो, तो अल्लाह ताला अपना तारुफ करवा रहे हैं, तो क्या कहते हैं अल्लम अल इंसान मालम यालम, अपने आप को मालम के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला मैं एक इल्म दूंगा इंसान को, और इस इल्म की जो है वो जो हम हैरत अंगेज तासीर देखते हैं के अरब काम जो उस वक्त जमाने जाहिलियत में थे और दुनिया की सबसे यानी बैकवर्ड्स तरीन काम थी, वो दुनिया की लीडर बन जाती, कैसे बन गई, ये इस कुरान के इल्म से। तो ये इल्म अब ऑब्सोलीट हो गया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, इतना यानी कीमती इल्म, मगर हमें तो फिलहाल यही समझ में आता है, इसकी कभी हमने तज़किरा नहीं सुना, किसी ने हमारी क्लास में चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर किसी ने नहीं बतलाया कि कुरान से हम आज अपने किसी मसले का कोई हल निकाल सकते हैं, हत्ता के यानी शर्मिंदगी की बात है कि जब मैं पाइड में वाइस चांसलर था तो बिजनेस एथिक्स का कोर्स था और उसके लिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी से एक बहुत यानी तहज्जुद गुजार बाशरा प्रोफेसर आए और किताब उसकी बिजनेस एथिक्स जो है कोई वेस्टर्न ऑथर की थी, तो यानी अपना यानी एक सब्जेक्ट तो हमारा होना चाहिए था वो भी उसमें भी हाथ से गया। तो बहुत सारी इजादात हमने की, अलजबरा, कैलकुलस, ज्योमेट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, इसमें बेशुमार कंट्रीब्यूशन है मुसलमानों का और मुसलमानों की किताबें यूरोप में सदियों पढ़ाई गई मगर इसका कोई तस्करा नहीं आता, ना हमारी तालीम में ना हमारे उसमें। और बात यह है कि इस दौरान इस पीरियड में क्रूजेड्स में मुसलमानों और ईसाइयों की जंगें हुई और इससे यूरोपियंस को कुछ एहसास पैदा हुआ कि ये लोग तो हमसे बहुत आगे हैं, जिस तरह से उस जमाने में यूरोप में उतना ही अंधेरा था और
मुसलमानों की शहरों में उतनी ही रोशनी थी जैसे आजकल के जमाने में लोग जो है वो न्यूयॉर्क और लंदन और पेरिस की बात करते हैं, तो उस जमाने में यूरोप वाले जो है वो एक वो इब्न हारून रशीद ने कुछ तोहफे भेजे शार्लमैन को वहां, तो उनका चर्चा हो गया, वो बिल्कुल ही उन लोगों के लिए हैरत अंगेज चीजें थी। उसने एक रनिंग क्लॉक भेजी थी और कई ऐसी चीजें भेजी जिनका उनको तसव्वुर ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। तो अल अंदलस जो है वो उसकी बहुत ही एडवांस तहजीब थी और 700 साल तक मुसलमानों ने स्पेन पे हुकूमत की। तो ये 700 साल जो है ये उनकी तहजीब जो है 350 साल की है, उसकी दुगनी। तो इब्न खलदून ने ये बतलाया था कि हर तहजीब जो है वो एक ऑर्गेनिक चीज होती है, पैदा होती है, बढ़ती है, फलती है, फूलती है, फिर बूढ़ी हो जाती है और फिर डिके करती है। और कुरान में भी इस तरह से आता है कि हम तिलकल अय्यामु नदाविलहा बैन नास के हम लोग इस दुनिया की जो ताकत है इसको अदलते बदलते रहते हैं। तो अल्लाह ताला का कानून है कि एक ही कौम जो है वो हर डोमिनेंट नहीं रहती है। तो आखिर अंदलस का जवाल हुआ और इस पर ईसाइयों ने फतह कर लिया, तो पहली मर्तबा इनको इल्म की कदर हुई, क्योंकि मुसलमानों से इन्होंने बहुत कुछ यानी लड़ाई झगड़े में देख लिया था कि इनकी तहजीब हमसे बहुत ज्यादा एडवांस। तो फिर ये टोलीडो में खैर इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी, मुसलमान के पास हमेशा किताबें होती थी और हर जगह जहां मुसलमान तहजीब थी वहां किताबें थी, क्योंकि मुसलमान जो है इल्म का दिल ज्यादा होता है, एक्सेप्ट आजकल के जमाने में इसका दूसरा मसला है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि ये जो इल्म का शौक है इसी की वजह से मुसलमानों का उरूज हुआ और आज जो हमारे अंदर इल्म का शौक खत्म हो गया है यही हमारे जवाल का सबब है। तो पहली मर्तबा इन्होंने जो मुसलमानों की लाइब्रेरी की किताबें थी इसको जलाने के बजाय इसका तर्जुमा करना शुरू किया। तो ये वो वाकया है जिससे यूरोप में रोशनी फैली। इससे हमें एक बात पता चलती है कि जो कुरान का दावा है कि ये हिदायत का नूर है, वो हिदायत का नूर ही ने यूरोप के अंधेरे को रोशन किया और यूरोप वाले भी इस बात को इसी वजह से छुपाते हैं क्योंकि इनकी इनके जो स्टोरी है वो यानी अपने वो दुश्मन को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं कि इसके पास भी कोई चीज थी। तो एक बहुत बात यानी मैंने जब तारीफ पढ़ी तो एक बात समझ में आई जो बहुत ऑब्वियस नहीं है कि कई कई मौके पे यानी लाइब्रेरी अलेक्जेंड्रिया जब जला दी उन्होंने तो गोया उनके यहाँ इल्म का चिराग बुझ गया। और इसी तरह से बहुत से लोग पूछते हैं कि मुसलमानों का जवाल क्यों हुआ, तो बेसिकली जब ये चंगेज खान ने बगदाद में हमारी लाइब्रेरी जला दी तो इससे एक यानी लाइब्रेरी एक तरह से हार्ड डिस्क होती है आपके कंप्यूटर की, हार्ड डिस्क खराब हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि इल्म दो फॉर्म्स हैं, अल्लाह ताला ने इसीलिए कलम का तज़किरा किया है, इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक्रा बिरब्बिकल अकरमिल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लम बिल क़लम, अल्लाह ताला तो कलम से नहीं लिखते हैं, तो ये कलम का क्यों तज़किरा यहाँ पे आ रहा है? इसकी वजह यह है कि यानी एक तो तरीका इल्म का ट्रांसमिशन है हार्ट टू हार्ट, वो बहुत स्लो है, मैंने आपको बतलाया और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरबियत की, उसमें साल साल लगते हैं, फिर वो एक स्टूडेंट जाएगा तो मैं 10-20 और वो फिर 10-20, तो इसमें तो जो किताब है ये उस एक तो स्टोर कर देती है इल्म को और फिर वो आम कर देती है, तो वो जब ख़त्म हो जाती है तो बस आपके पास यानी अभी आप खुद सोच लें, आप रिसर्च करने जाते हैं तो कौन कौन सी किताबें ढूंढते हैं, अगर सारी किताबें ख़त्म हो जाएं तो फिर रिसर्च नहीं कर सकता इंसान। तो जब इन्होंने अरबी किताबों का तर्जुमा शुरू किया तो फिर यूरोप में आ गई रोशनी। और हेनरी टरेन का कहना यह है मशहूर कि बेसिकली यूरोप का तस्वुर ही मुसलमानों की वजह से पैदा हुआ, क्योंकि वो बर्बर थे, एक दूसरे में यानी वहशी लोग थे, आपस में हर वक्त लड़ते रहते, अभी भी हर वक्त लड़ते रहते हैं, यानी अंटिल रिसेंटली वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ये सब यूरोपियन आपस की लड़ाइयां थी।
और इसमें लाखों करोड़ों लोगों की जाने गई। तो इसका कहना है कि यूरोप में आपस में तो कोई कॉमन चीज नहीं सिवाय दुश्मन, और ये क्रूजेड्स ही ने एक एहसास पैदा किया कि हम लोग एक हैं इस्लाम के खिलाफ, वरना तो उनमें कोई एका नहीं है। तो एक तरह से यूरोप जो है वो इस्लाम का क्रिएशन है। अब हम लोग ये क्लेम्स को फिर से एग्जामिन करते हैं कि जो पांच दावे हैं यूरोसेंट्रिक की हिस्ट्री के जो हमें समझाए जाते हैं। तो इसका पहला दावा तो हमने देख लिया कि ट्रांसलेशंस हुए, इसमें बहुत सारी तफसील है उनकी, यानी अगर इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता है कि यूरोप वालों ने इल्म मुसलमानों से हासिल किया और इसकी बहुत सारे डिटेल्स हैं। मगर जो इंटरेस्टिंग बात है कि ये क्यों मिथ फैलाई गई। एक तो ये है कि मुसलमानों से दुश्मनी, मगर दूसरी बात ये है कि ये जो दावा है कि यूरोप जो है वो यूनिकली इंटेलिजेंट है और बाकी सारी दुनिया गंवार है, जाहिल है, तो ये दावा जो है वो स्टैंड अप नहीं कर सकता। अगर इन्होंने इल्म दूसरों से लिया तब दूसरे लोगों के पास भी इल्म था, तो अब जो इनको करना था आगे जाके, यानी अपनी बर्बरियत का मुजाहरा सारी दुनिया में, वो उसका जस्टिफिकेशन ही यही कि हम इतने एडवांस्ड हैं, बाकी लोग तो हमारे सामने जानवर की तरह से हैं, हसन निसार की तरह से हैं। तो फिर वो इससे फिर उनको जस्टिफिकेशन होता है, कितना खून कर दो, किसी को कुछ भी कर दो, ये सब तो जानवर हैं, इनको इनको घसीटा जा सकता है। लाखों करोड़ों हबशियों को लेके जबरदस्ती पकड़ के वहां ले गए और वहां अमेरिका पहुंचा दिया, तो ये एक जस्टिफिकेशन खत्म हो जाता है। तो ये जो इल्म का खजाना आया, इससे इनको बड़ा प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि बहुत सारे जी ओ हाँ ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि स्पॉन्टेनियस नहीं था, मगर जो एक अहम बात है वो ये है कि ये जो फ्लड ऑफ नॉलेज किताबें आई, इससे इनको बड़ा मसला हुआ, क्योंकि इनके बहुत सारी किताबों में ऐसे फलसफे थे जो इनकी इनकी ईसाइयत के फलसफों से टकराते थे। तो बहुत ज्यादा उन्होंने संशरिप की, चर्च का एक बोर्ड कायम किया जिसको मुहर लगानी पड़ती थी कि ये किताब ठीक है, तो फिर वो छपाई जा सकती थी, और अगर वो उसको रद्द कर देते थे तो फिर वो छापी नहीं जा सकती थी। और बहुत सारा ये इंक्विजिशन हुआ जिसमें लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था और उनको हर तरह की तकलीफ और अज़ियत दी जाती थी। तो इसकी वजह समझ में नहीं आई थी कभी तक, जब तक समझ में नहीं आया कि ये जो
मसला था वो ये था कि ये इल्म के खजाने आ रहे थे, तो अब जो भी उसको तर्जमा करता था उसको बड़ी मुसीबत पेश आती थी। अगर वो डायरेक्टली लिख देता, जैसे कोपरनिकस, बहुत मशहूर है रेवोल्यूशनरी, उसने हमारे एक एस्ट्रोनॉमर जिसका नाम है इब्ने शातिर, उसकी किताब का तर्जुमा किया था बेसिकली लाइन बाय लाइन, कोई उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। मगर वो अगर ये कह देता कि मैंने मुसलमानों से किया है, तो उसके दोस्तों को टॉर्चर किया गया था 10 साल तक, उसका एक साथी था जो कि, तो वो एक्नॉलेज कर ही नहीं सकता, कहता था मुसलमानों से लिया है तो उसके उसकी भी टॉर्चर शुरू हो जाती। तो इस तरह से बहुत सारे लोग यूरोपियन, चाहे वो ऑनेस्ट हो चाहे वो नहीं हो, उनको अगर मुसलमानों से जो लेते थे उसको छुपा देते थे उसके ओरिजिन। तो इस ओरिजिन को छुपाने के सिलसिले में एक बहुत उन्होंने एक मिथ पैदा की, एक अफसाना पैदा किया। ये सारी चीजें ग्रीक्स को मालूम थी। बड़ी हैरत की बात है जो हम देखते हैं कि इतनी सारी किताबें अरस्तो ने लिखी हैं कि एक इंसान के बस की बात नहीं है जिंदगी में इतनी सारी किताबें लिखी, और दुनिया के भर के जितने मसाइल हैं वो सारे के सारे ग्रीक फिलोसोफर्स ने डिस्कस कर रखे हैं। और उसके बाद फिर 500 साल तक तारीकी फैल गई, सारी दुनिया में किसी को कोई ख्याल ही नहीं आया। एक मशहूर हमारे इकोनॉमिस्ट है शम्पिटर, उसने किताब लिखी है द इकोनॉमिक हिस्ट्री। उसने कहा कि इकोनॉमिक या हिस्ट्री तो ग्रीक्स में शुरू होती है, उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ कहा, उसके बाद 500 साल तक इंसान को ख्याल ही नहीं आया कि माशियात का भी कोई चीज होती है। और उसके बाद फिर ये 500 साल के बाद फिर ये यूरोपियंस ने फिर से इसका बेड़ा उठाया, तो फिर इकोनॉमिक थिंकिंग शुरू हुई। तो दरअसल एडम स्मिथ जो है उसने भी बहुत सारे ख्यालात जो हैं डॉक्यूमेंटेड है कि पर्शियन स्कूल था, एक पर्शियन स्कूल ऑफ थॉट, उससे उसने बोरो किया है, इंक्लूडिंग उसका जो मशहूर एग्जाम्पल है पिन फैक्ट्री का और स्पेशलाइजेशन और बहुत सारे उसके कॉन्सेप्ट जो है वो वहां से ली हुई। तो दूसरी बात के यूरोपियंस जो है वो उनके पास अकल की इंतहा पहुंची हुई है और वो साइंटिफिक हैं, वो तहजीब याफ्ता हैं, वो क्रिएटिव हैं, इसके बरक्स हम लोग सब इरेशनल हैं, सुपरस्टिशियस हैं, अनसाइंटिफिक हैं, गैर तहजीब याफ्ता हैं, और यानी ऐसे गला सड़ा माशरा है हमारा कि इसका कोई काबिल तज़किरा ही नहीं। तो ये इमैनुअल कांट है जिसका जिसको कहा जाता है कि इज द ग्रेटेस्ट मोरल फिलोसोफर ऑफ द वेस्ट, बहुत मशहूर आदमी है और उसकी मोरल फिलॉसफी बहुत मशहूर है। और वो कहता है कि सारे रैशनल ह्यूमन बीइंग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, रैशनल सिर्फ गोरे लोग होते हैं इसलिए हम लोगों को इंसानों में नहीं शुमार किया जाता। एक उसका उसने पूरा क्लासिफाई किया है, यानी उसकी एक किताब है द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, उसने पूरा यानी इतनी बड़ा दकीक फलसफा है कि अकल के जरिए से हम कौन कौन से हकायक तक पहुंच सकते हैं। उसने अपनी अकल लगाई तो उसको ये समझ में आया कि गोरे लोग तो सबसे अच्छे हैं, काले लोग जो हैं वो अच्छा, जो रेड इंडियंस हैं उनका तो कोई शुमार ही नहीं है, वो बंदर की नस्ल है, यानी नॉट एवोल्यूशन थ्योरी के एतबार से मगर इंसानियत के एतबार से। और ये गोरे काले लोग जो हैं बहुत सुस्त और काहिल होते हैं और अकल इनके पास होती नहीं है। और उसका एक रिमार्क है कि एक आदमी को अगर देखो कि उसका चेहरा काला है तो समझ लो कि इसके अंदर अकल नहीं है। उसने कहा कि इनको मगर इनको ट्रेन किया जा सकता है, इनकी तरबियत की जा सकती है ताकि ये अच्छे गुलाम बन सके, मगर इनको ट्रेन करना आसान नहीं है क्योंकि ये बहुत इनकी स्किन बहुत सख्त होती है। तो इनको ऐसे ऐसे चाबुक मारना चाहिए कि जख्म ना बने ताकि वो तो वो हो जाएगा। तो उसने एक खास तरीके का चाबुक बतलाया कि उसमें दो शाखें होंगी और इस तरह से मारे कि उनको तकलीफ बहुत ज्यादा हो मगर जख्म ना आए। ये आपका ग्रेटेस्ट मोरल फिलोसोफर ऑफ द वेस्ट बता रहे हैं। उसने हमारी बात तस्करा किया कि हम लोग भी इंडियंस जो है वो बहुत सुस्त होते हैं और दिमाग उनका बहुत चलता है मगर बस बैठ के फलसफा कर भगाते रहते हैं और किसी काम के नहीं है। खैर, तो ये
तो जैक गुडी की किताब है थेफ्ट ऑफ हिस्ट्री। उसने कहा कि यूरोपियंस ने बहुत सारे अकवाम से उनके बहुत सारे इजादात चोरी किए, मगर सब अपने नाम पे मंसूब कर लिया, इसीलिए थेफ्ट कहे जा रहे हैं यहाँ पे। और ये बहुत अच्छी किताब है, अहम किताब है राजू की, जिसने इसने कई केसेस देखे हैं कि मशहूर ये है कि टॉलमी ने एस्ट्रोनॉमर था और वो ग्रीक था, मगर एस्ट्रोनॉमी दरअसल पर्शियंस की, इजिप्शियंस की, चाइनीज की, इंडियंस की इजाद है। इसी तरह से हिसाब में यूक्लिड और टॉलमी का नाम, यूक्लिड और पाइथागोरस का नाम मशहूर है। ऐसे कोई आदमी ही नहीं था, ये फर्जी लोग हैं जिन्होंने उन्होंने इजाद कर दिए हैं, ताकि वो क्रेडिट जो किसी और को जानी चाहिए थी वो ले सकें। इसका सबसे बड़ा दावा यह है कि कैलकुलस, जो कि यूरोपियन का फखर है, वो तो हिंदुस्तानी रियाजीदानों ने इन्वेंट की थी, और पोर्चुगीज ने एक स्कूल बनाया था जिसमें वो नीलाकांत और कुछ उन्होंने उसने आर्यभट्टा, ये लोग थे जो जिन्होंने किताबें लिखी थी जिसमें इन्फिनिट सीरीज हैं जो कि कैलकुलस की बुनियाद हैं, वो वहां से चोरी करके ले गए, और वहां जाके फिर लाइबनिट्ज़ सर न्यूटन तक पहुंची बात, और उन्होंने इसको समझा, जो कि बहुत मुश्किल था क्योंकि उनके पास ज्यादा वो नहीं थे। तो उनका कारनामा ये है कि वो हिंदुस्तान से जो किताबें आई थी, जिसकी उसने पूरी तफसील दी है कि किसके पास कौन सी किताब कहाँ से पहुंची, तो वो उसको समझ सके, वरना वो इतनी दकीक थी कि आम आदमी उसको समझ नहीं सकता था। ये उनकी अकलमंदी है। इसी तरह से न्यूटन फिजिक्स के जो थ्री लॉज ऑफ मोशन हैं, वो सब मुसलमानों के पास पहले से मौजूद हैं। सही, इनकार नहीं कि उसने कारनामा किया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो उसकी इजाद है, मगर उसने खुद कहा कि मैं इतना आगे इस तरफ से पहुंच चुका हूँ कि आई स्टूड ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स, बहुत बड़े बड़े आदमियों ने मेरे पीछे काम किया था। जैसे इब्न हैसम की किताब है ऑप्टिक्स पे, जो सदियों तक यूरोप में पढ़ाई गई, और उसी की बुनियाद पे न्यूटन ने एक किताब लिखी ऑप्टिक्स पे, जिसमें बहुत सारा माल इब्न हैसम से लिया हुआ है। तो बात यह है कि अगर आप कहें कि सारा इल्म तो यूरोपियंस ने बनाया है, आफ्टर सब सारी दुनिया के इल्म चोरी कर लेने के और उसको अपने नाम से मंसूब करने के लिए, तो ये इस दावे में कोई वो जान नहीं है। मगर ये जो झूठ दावा है, इस वक्त सारी दुनिया में राइज है, और हमारी किताबों में चूंकि तज़करा नहीं आता है। अभी ये कहते हैं कि ये फलानी चीज डेकार्ट ने बनाई, कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स बहुत पहले मुसलमानों में चल रहे थे। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो ये ग्रीक्स को मंसूब कर देते हैं या अपने लोगों को। इसकी एक पूरी तफसील है, यानी बीसियों ऐसी इजादात हैं जिसमें उन्होंने यूरोपियन कॉपीस्ट को मुसलमानों की जगह पे नाम रखा हुआ। तो अगर हमारी किताबों में वक्तन फवक्तन मुसलमानों के नाम आते रहते, तो हम कहते कि हाँ ठीक है, एक इंसानियत ने, यानी ये इल्म का जो कारनामा है, इसमें सब लोगों ने साथ लिया है। चीन भी थे और जापानी भी थे और मिस्री भी थे। मिस्रों ने ये जो पिरामिड्स बनाए, ये ऐसा कारनामा है इंजीनियरिंग का कि जिन लोग इंजीनियर्स ने इसको देखा है वो हैरत में है, कि वो कहते हैं कि ये जो पत्थर काटे गए हैं ये इतनी स्ट्रेट लाइंस हैं कि आज अगर हमसे कोई कहे कि कैसे काटें, तो हम लेजर के जरिए से इस एक्यूरेसी से काट सकते हैं। लेजर के बगैर हमें नहीं समझ में आता कि इतना सीधा कैसे काट सकता है। तो ये उन्होंने कारनामा किया। तो मिस्र के पास भी कुछ इल्म था, मगर वो क्या था अब किसी को पता नहीं, क्योंकि वो सब काट दिया गया है। तो इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं, मगर बहरहाल अब ये एक पुरानी दास्तान होगी। ठीक है, मान लिया कि उन्होंने हमारा पैसे भी लूट लिए और हमारा इल्म भी लूट लिया, मगर ठीक है, ये सदियों पुरानी बात हो गई। आज इससे हमें क्या मतलब, आज इसका क्या फायदा? तो ये सवाल जो है हम उठाते हैं, मगर इसका जवाब अभी नहीं देंगे, जवाब बाद में देंगे। तो अब हम तीसरी मिथ की तरफ आते हैं कि सारे ये दो बहुत मशहूर मिथ है। एक है व्हाइट मैन्स बर्डन, कि हमारे ऊपर ये इतना सारा, यानी हमने इतनी सारी तरक्की कर ली थी कि अब हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि अपनी तरक्कियों का फल दूसरों तक पहुंचाएं, या इसको सिविलाइजिंग मिशन कहते हैं कि
बाकी सब लोग जंगली थे, हम तहजीब याफ्ता थे, तो दूसरे लोगों को महजब बनाना ये भी हमारे फरीजा था। तो दरअसल बात यह है कि अगर हम लोग ये देखें हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन कि कैसे कॉलोनाइजेशन हुई, जो कि बहुत अच्छी तरह से सप्रेस कर दी गई, इसके इसकी हकीकत नहीं मिलती, उसको ढूंढने से निकालना होता है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम में है उसमें कभी इनके यानी ऐसे ऐसे वहशतनाक मजालिम है कि बस। मैंने अपने एक स्टूडेंट है तासीर सलाहुद्दीन, उसको कहा कि जरा ये किताब पढ़ के इसको समराइज कर दो, क्या नाम है, किंग लियोपोल्ड्स गोस्ट। उसने कहा कि मेरी तो रातों की नींद उड़ गई, होश उड़ गए कि क्या क्या जुल्म किए गए हैं वो बेल्जियन कांगो में। वो एक हबशी फैमिली को पकड़ लेते थे और आदमी को भेजते थे कि जाओ और रबड़ जो है वो कास्ट करके लाओ, उसको दरख्तों के अंदर से सैप करके उससे अंदर, और कोटा होता था, अगर कोटा पूरा करके आ जाता था तब तो ठीक है, फैमिली को लेके जा सकता है, नहीं आता था तो उसका हाथ काट देते थे उसकी फैमिली के सामने और वो ब्लीड टू डेथ कर जाता था। और ये यानी आम था, इस तरह से यानी लाखों लोगों को उन्होंने कत्ल किया बेदरिंदगी के साथ। और ये बस एक मामूली सवाब है, उस किस्म के यानी कारगुजारियां सुनाए तो दिन खत्म हो जाए मगर जुल्म का वो नहीं, सैलाब नहीं खत्म। एक किताब है, अब ये सारी की बातें आ रही हैं, द ब्लड नेवर ड्राइड। तो उसने कहा है ब्रिटिश एम्पायर के बारे में, कहा है सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, मगर साथ साथ ही खून का भी दरिया बहता रहता था, और कोई भी ऐसा लम्हा नहीं था जिस वक्त खून का दरिया नहीं बह रहा हो, और इसका डॉक्यूमेंटेशन है। तो हम लोगों को थोड़ी सी अकल अख्तियार करनी होती है, एक चीज का सरफेस होता है और एक इसकी रियलिटी होती है। तो सरफेस तो वो है जो हसन निसार ने बयान किया कि माशाल्लाह इन लोगों के अंदर तो कोई उनसे कहे, इसी किसी में आगे जाके कहता है, कोई इससे कह दे कि आप उसको जो गाली दे दे वो उनके अंदर तो बहुत इस्तगना और वो होता है, वो जर्फ होता है, इसलिए वो बर्दाश्त कर लेंगे, मगर आप उसको कहें कि वो झूठा है, ओहो वो तो बिल्कुल ही जरा आग बगोला हो जाएगा, क्योंकि ये तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि गोरा आदमी झूठ भी बोल सकता है। हालांकि उसी जमाने में टाइम्स में कवर स्टोरी आई थी कि ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंसी में पता नहीं 17-5 हजार इतने झूठ बोले हैं, सब गिन गिन करके ट्वीट्स में। तो इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा का असर है। तो इसके लिए सिर्फ एक मिसाल काफी है और अकलमंदों के लिए इशारा काफी है कि इराक की जंग जब हुई तो अमेरिका ने अपनी अवाम को कैसे कन्विंस किया कि ये बहुत ही जालिमान है, जिसमें इराक के यानी स्कूल फैक्ट्री सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। यानी ठीक है, उनको शिकायत थी सद्दाम से तो उसको कत्ल कर देते, किया ही उन्होंने, मगर सारी अवाम के खिलाफ उन्होंने क्यों दुश्मनी उठाई। तो वो उनका कहना था कि हम तो इस अवाम को फ्रीडम और डेमोक्रेसी देने जा रहे हैं और ये बेचारे जुल्म से पिसे हुए एक डिक्टेटर से उनको हम आजादी देना चाह रहे हैं, और सारी दुनिया जो है उसके ऊपर एक थ्रेट है कि ये एक पागल आदमी है, इसके हाथ में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वही सारे झूठ था, पूरा मुकम्मल फरेब। एक अमेरिकन सोल्जर का एक बहुत खूबसूरत बयान आया है अभी रिसेंटली, और बहुत सारे हैं वैसे तो, कि मैं तो मुझे तो बतलाया गया था कि हम लोग जाके उन लोगों को डेमोक्रेसी और फ्रीडम देंगे। तो मैंने वर्ल्ड वॉर वन में देखा था कि जब अमेरिकन आर्मीज फ्रांस में पहुंची और उनको जर्मनियों से निजात दिलाई तो उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ, लोग उन पर फूल फेंक रहे हैं, उनके लिए गाने गा रहे आ रहे हैं, बड़े उनको हीरो की तरह से। तो मैं इसी तवक्कु में था कि जब मैं इराक जाऊंगा तो मेरा इसी तरह से इस्तकबाल होगा कि हीरोज आ गए हैं हमारे बचाने। तो बिल्कुल हर चीज मेरे खिलाफ तवक्कु हुई कि हम लोग को तो दुश्मन समझा जा रहा था। इसी तरह से मैडलिन ऑलब्राइट से टीवी पे पूछा गया कि तुम लोगों ने 500,000 चिल्ड्रन को कत्ल कर दिया है, तो और ये तो यानी हिरोशिमा से भी ज्यादा
हॉलनाक वाकया है, तो क्या ये वाकई वर्थ इट है? उसने कहा हाँ, ये जरा मुश्किल फैसला था मगर हाँ इट्स वर्थ इट। आधे हाफ ए मिलियन चंद पांच लाख बच्चों को कत्ल जो है वो ऑयल पे कब्जा करने के लिए जायज है, ये है उनका स्पिरिट और ये उस वक्त भी यही था आज भी यही है। तो ये उन्होंने दुनिया को तहजीब पहुंचाने के लिए, दुनिया को लूट मार मचाने के लिए कॉलोनाइजेशन किया और आज भी यही चल रहा है। अब ये आइडिया है कि सारी दुनिया तरक्की कर रही है और तरक्की याफ्ता ममालिक वो हैं और हम लोग गैर तरक्की याफ्ता हैं, तो बात यह है कि अगर हम उनका मेयार अख्तियार करें कि तरक्की का मतलब है पैसा, जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा तरक्की याफ्ता, हमारी कौम में सबसे ज्यादा तरक्की आदमी कौन है? जरदारी होगा या अब पॉलिटिक्स का सीन जाएगा मगर हाँ मलिक रियाज, चलो ठीक है उस पर इत्तफाक राय हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आला तो वही हो गया, अब बिल गेट्स जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता महजब आदमी हो गया। तो ये बेवकूफी की बात है, पैसा कभी भी किसी भी तहजीब याफ्ता कौम में मेयार नहीं रहा है। अल्लाह ताला ने कारून का किस्सा हमें सुना दिया है इसी धोखे से हमें बचाने के लिए। तो एक आर्गुमेंट बहुत मशहूर है जो आजकल दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल ये बात बहुत मशहूर हो गई है कि इस कैपिटलिज्म से, इस वेस्टर्न सिस्टम से दुनिया को बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है नुकसान अपनी जगह पे, मगर इंसान की तरक्की तो अच्छी हैरत अंगेज हुई है। ये दिखला रहे हैं कि बस यानी तकरीबन कई सदियों तक किसी भी डायमेंशन में, इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे तज़किरा किया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, GDP, नंबर नॉट लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, एनर्जी कैप्चर, वॉर कैपेसिटी, परसेंटेज लिविंग इन डेमोक्रेसी, यही उन्होंने अपने क्राइटेरिया बनाया। उसमें ये नजर आता है कि बहुत सारी सदियों तक कुछ भी नहीं हुआ, मगर अचानक 19वीं सदी से लेकर बेसिकली हैरत अंगेज तरक्की हुई। इसको हॉकी स्टिक आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि बिल्कुल फ्लैट, उसके बाद फिर अचानक ऊपर शूट कर गई। तो इसके मानी के बाकी सारे ठीक है बहुत जुल्म हुआ, बहुत बर्बरियत हुई, लूट मार हुई, मगर ये सब तो चलता ही रहता है, देखो ना तरक्की कितनी हो गई, ये हॉकी स्टिक आर्ग्यूमेंट है। अब इसको आजकल यही चल रहा है दरअसल, क्योंकि ये यानी जो ये असल में मल्टीपल राउंड है। पहले तो ये कहा जाता है कि बस कैपिटलिज्म में तो कोई खता ही नहीं है और वो तो सबसे बेहतरीन और आइडियल सिस्टम है, यही चीज़ें वो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स को यही पट्टी पढ़ाई जाती है कि ये फ्री मार्केट जो है इसका तो कोई, ये तो बिल्कुल ही ऑप्टिमल है और इससे ज़्यादा अच्छी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती है। मगर अब ये काफी वो इसकी काफी वो मार पड़ चुकी है इसको। अब ये सेकंड राउंड आर्ग्यूमेंट ये है कि ठीक है इसमें बहुत सारी बुराइयां हैं हम मान लेते हैं, मगर इसमें इतनी जबरदस्त तरक्की हुई है तो अब इसको काउंटर करना है आजकल का आर्ग्यूमेंट। तो ये देखना होगा तरक्की किस चीज को कहते हैं, और ये देखना होगा ये एक लाइन जो बनाई है ये एक एवरेज है। तो एवरेज जो है वो यानी अगर हम ये इस वक्त दुनिया में 7 अरब इंसान हैं तो उसकी एवरेज इनकम निकालें, उसमें वो जो बिलियनर्स हैं वो सब भी आ जाएंगे, जो 10 लोग हैं जिन्होंने सारी दुनिया आधी दुनिया की दौलत उनके हाथ में है वो भी इस एवरेज में आ जाएंगे। अगर हम तो इसलिए वो एक फॉल्स इंप्रेशन पड़ेगा। मसलन फर्ज करें कि 100 आदमियों के पास कुछ भी नहीं है और एक आदमी है उसके पास 1 करोड़ रुपये है, अब सबका एवरेज निकालेंगे तो 1 लाख रुपए आप देंगे, हाँ भाई सब लोगों के पास 1-1 लाख रुपए हैं, सब लोग बहुत खुशहाल हैं, तो एवरेज के हिसाब से यही बनता है। तो ये एवरेज बड़ा धोखेबाज होता है, इसलिए ये जो हॉकी स्टिक है ना ये एवरेजेस पे बनाई गई है। इसके अलावा क्या ये बात सही है कि इंसान को आप बहुत सारे मसनूआत दे दें तो वो खुश हो जाएगा? क्या ये बात सही है कि ये टेक्नोलॉजी है इससे इंसानियत को बहुत फायदा हुआ है? क्या डिश वॉशिंग मशीन होने से इंसान की जिंदगी में बहुत सारी खुशी आ जाती है? क्या रेफ्रिजरेटर होने से
तलाकों का मामला खत्म हो जाता है क्या? बच्चों को की जो चाइल्ड अब्यूज है वो अगर किसी के घर में जदीद चूल्हा है और वॉशिंग मशीन है तो उसमें चाइल्ड अब्यूज नहीं होगी, तलाक नहीं होगी, ड्रग्स और नशा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद ये है कि ये जो तरक्की हुई ये किस, इसके लिए हमने अदा क्या किया है? तो पता चला है, यानी आप अगर कॉस्ट को इग्नोर कर दें, सिर्फ बेनिफिट के देखें, जैसे एक करोड़पति है वो अपने सारे पैसे लुटा रहा है, तो जब तक वो लुटा रहा है तब तक तो खुशी है, मगर वो जब खत्म हो जाएंगे तो बड़ा धचका लगेगा। आज यही हो रहा है कि सारे समुंदर पोल्यूट हो गए हैं, सारे एटमोसफियर पोल्यूट हो गया है, इंसानियत जो है वो खुद खतरे में है कि वो जारी रहेगी कि नहीं रहेगी। ये तेल निकाल निकाल के इस्तेमाल करते जा रहे हैं एट अ रेट जो कि सस्टेनेबल नहीं है। तो सारी दुनिया खजाने से भरी हुई है, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि इसमें मैंने रख दिया है तुम्हारे लिए, अब वो आप उसको उसके जायज रेट से जो कि सारी इंसानियत की मुफीद है उससे बहुत ज्यादा अपने जाती नफे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इससे नुकसान होगा, ये नुकसान हो रहा है। तो क्या इंसान के वेलफेयर या खुशियों में या इसमें इजाफा हुआ है? तो जो मिथ है जो हमें सिखलाई जाती है कि चूंकि उन लोग ने अपने दीन को रिजेक्ट कर दिया, यानी ईसाइत को, तो उन्होंने कहा कि बस इंसान की बस ये 2 दिन की जिंदगी है, इसमें मजे कर लो, और प्लेजर पावर और प्रॉफिट्स यही है चीज जिसके लिए हम जिंदा हैं। मगर जिन लोगों ने इसको स्टडी किया कि इंसानी की खुशियां जो हैं वो कैसे हासिल होती हैं, तो एक बहुत अजीब और गरीब एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, रॉबर्ट लस्टिक का नाम है, द हैकिंग ऑफ द अमेरिकन ब्रेन। हाँ, यहाँ पे इसका मैंने वो दे दिया, हवाला दिया हुआ। इसमें उसने बतलाया है कि इंसान की खुशी 2 किस्म की होती है, और वो बायोलॉजिस्ट है और वो केमिकल्स की बात कर रहा है। एक खुशी डोपामीन की होती है, वो अगर कोई आदमी कोक पी ले या कोई भी चीज कोई गुड आ जाए तो एक टेम्परेरी नशे की तौर पे होती है, थोड़ी देर के लिए। आप बहुत मजेदार खाना खा लें तो थोड़ी देर के लिए आपको खुशी होगी, मगर वो फिर वो फौरन ही फेड कर जाता है। और एक होती है पायदार खुशी, तो उसका केमिकल मैकेनिज्म ही डिफरेंट है। तो जो आदमी ये डोपामीन पे जाता है कि वो इसी तरह से जैसे नशे की तरह से कि आदमी ने एक सुई लगा ली तो थोड़ी देर के लिए अपना हाल उसका बहुत वो हो गया, खुशी आ गई, मगर जैसे ही वो नशा खत्म हुआ वैसे ही उसको डिप्रेशन हो जाता है। अब वो ढूंढता है कि फिर से मुझे नशा मिले, और दूसरी बार जब वो करता है तो वो नशा नहीं हासिल होता, अब उसको डोज बढ़ानी पड़ती है, हत्ता के मर जाता है। तो ये जो वो खुशी जिसका ये लोग कह रहे हैं कि आपको माल मिल जाए और यानी खाना मिल जाए, ये वो खुशी है जो नशे के एतबार से ये इंसान को यानी पायदार खुशी नहीं देती है। जो पायदार खुशी है उसकी बुनियाद वो है जो, यानी अब नए थ्योरी भी वही बात कहती है जो हमें बहुत पुराने जमाने से पता चल, कि एक तो किरदार है और किरदार के खास कुछ एलिमेंट्स हैं, एक तो शुक्र का जज्बा है, ये इसका खुशी से बहुत ज्यादा ताल्लुक है, और दूसरे हमारे अखलाक है, जैसे हम दूसरों से लोगों से मिलते हैं, मोहब्बत करना, तो हदीस में आया है कि मोमिन मोहब्बत करता भी है उससे मोहब्बत की भी जाती है, मोमिन की सिफत। तो ये वो चीजें हैं जिससे इंसान को खुशी मिलती है। ये जो पैसा है ये भी सब लोगों का फायदा नहीं दे रहा है। ये ग्राफ है जिसमें दिखलाया है कि टॉप 1% के पास ज्यादा शेयर होता जा रहा है, जो बॉटम 50% है उसका तो वो तो गायब हो गई। तो ये जो दावा है कि दुनिया में दौलत बढ़ती जा रही है, हॉकी स्टिक की तरह से बढ़ गई है, तो वो तो वही है कि 8 लोगों के हाथ में आधी दुनिया की दौलत या कुछ इस किस्म की, और यानी दुनिया की वास्ट मेजोरिटी 1 अरब लोग हैं जो कि $1 a day या उससे कम में रह रहे हैं,
यानी उनके पास खाने पीने के लिए काफी नहीं है। अब ये जंगो जदाल का मामला है, जिसमें जो वॉर्स हैं वो कम हो गई हैं, जो ब्लू है। चुनांचे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि आजकल हम लोग पीसफुल जमाने में रहते हैं, पुराने जमाने में बड़ी जंगें होती थी। अगर आप इन जंगों से बढ़ के थोड़ा सा आगे बढ़ के, यानी जो जंग जो दो नेशंस के बीच में होते हैं उसको हटा के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ जाएं और उसमें जो डेथ्स हैं उसका ग्राफ देखें तो वो ऊंचाई की तरफ चलता चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि तो इसमें यानी दो बातें, एक तो ये है कि ये समझना कि स्टेटिस्टिक्स से बहुत सारा धोखा दिया जाता है, देयर लाइज डैम्ड लाइज एंड स्टेटिस्टिक्स। तो इसमें जो बात चल रही है, जो हॉकी स्टिक वाले हैं वो ये कहते हैं कि देखो वो ब्लू वाला ग्राफ को देखो, जंगें तो खत्म हो गई, तो दूसरा वाला ग्राफ सामने नहीं लाते हैं। मगर जो असल मामला खतरनाक है ये हॉकी स्टिक है, जो कि जिससे सारी इंसानियत खतरे में है, कि क्लाइमेट चेंज और ये टेम्परेचर जो है ये सदियों तक एक ही सतह पे रहा, मगर अचानक चूंकि हमने हर किस्म की यानी एनर्जी इस्तेमाल करना, यही इसको पॉजिटिव पेश करते हैं कि हमने खूब एनर्जी बना दी है। मगर ये जो खूब एनर्जी बनाई है इससे दुनिया तबाह होने पे है, पैसे पोलर आइस मेल्ट कर गई है, अब यानी बड़ी बड़ी यानी चीजें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसके बुरे असरात हैं, और हो सकता है कि यानी ये प्लैनेट इंसान के रहने के लायक ना रहे। इसके अलावा एक मशहूर ईस्टरलिन पैराडॉक्स है, रिचर्ड ईस्टरलिन की, जो मेरा कॉलीग था किसी जमाने में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, उसने ये हैप्पीनेस स्टडी शुरू की। तो उसने ये देखा कि ये पहला ग्राफ जो है ये यूएसए में है और इनकम और हैप्पीनेस का ताल्लुक दिखलाता है, कि जीडीपी तो बढ़ता गया मगर वो लोग जो कहते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं वो घटते गए। तो ये बिल्कुल यानी ये यूएस की इंटरनल स्टेटिस्टिक्स है ओवर टाइम, कि ओवर टाइम जीडीपी का तो बहुत इजाफा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही आसमानों से बातें कर रहे हैं, मगर वो लोग जो अपनी जिंदगियों से खुश हैं उनके अंदर डिक्लाइन ही हो रहा है। इसका सिंपल सी बात है कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, पुराने जमाने से लोग ये कहते आ रहे हैं। दूसरी बात अक्रॉस कंट्री है, जिसमें उसने ये दिखलाया है कि मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनके मुख्तलिफ जीडीपी पर कैपिटा हैं और उनकी हैप्पीनेस रैंकिंग्स की हैं। इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी जिसका ग्रोथ है जीडीपी में ज्यादा उसका उसका हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो कम है। तो अगेन वही बात है कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। वो जो मेयार हम लोग ने मुकर्रर किया था कि प्रोग्रेस का मेयार जो है वो पैसा है, वो इंसानियत के लिए यानी मुफीद नहीं है। और ये ख्याल कि सब लोगों ने बहुत फायदा उठाया है मगरबी तरीके से, ये बहुत वाजे है कि ऐसा सही नहीं है। अब ये बैकग्राउंड है, हम ये इसका अल्टरनेटिव है कि वो जो हसन निसार वाले ख्यालात हैं, जो यानी ये कहना होगा कि ये यानी ऐसे ही बेवकूफ़ी की बात नहीं, बल्कि ये बहुत फैले हुए ख्यालात हैं और हर शख्स के पास किसी न किसी दर्जे में मौजूद है, क्योंकि इसको इनकार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारी दुनिया का हमें यही बतला रही है कि वो तरक्की याफ्ता हैं हम, तो फिर इसको इसको काउंटर कैसे किया जाए, और कोई आसान नहीं है इसका। तो पहले तो हमें सिखलाया गया, ये पट्टी पढ़ाई गई है, ये हमारे दिमाग पे कब्जा किया गया है, तो पहले तो इस जहर को निकालना है, फिर इस्लाम की रोशनी से फिर से इसको मुनव्वर करना है। तो बात यह है कि किसी चीज की तनकीद करने से काम नहीं पैदा हो जाता, सिर्फ उससे एक जहन साफ हो जाता है जिसमें हमारे पास एक पॉसिबिलिटी, एक इम्कान पैदा होता है कि हम नए ख्याल सोचें, वरना इस सब की सफाई किए बगैर अगर मैं नई बात कहूँ सब लोग, ये तो हर उस चीज से टकराता है जो हमें अब तक पता है, तो फिर वो इसलिए वो नए बात को कबूल नहीं करेंगे। अब हमने जब ये पैप कर दिया तो
हम इसकी काउंटर नैरेटिव, एक एक उन्होंने अपना अफसाना बनाया है जो फातहीन का अफसाना है, अब हम उसका दूसरा यानी जो मफतूह अकवाम है उनका किस्सा सुनाते हैं। तो ये आइडिया कि उन्होंने कॉन्क्वेस्ट और कॉलोनाइजेशन इसलिए किया कि हमें अपना हमें फायदा पहुंचाए, ये तो यानी बच्चों वाली बात है, इस पे हंसना चाहिए। मगर ये लॉर्ड सीसिल रोड्स, जो कि रोड्स स्कॉलरशिप वाला है, बड़ा जालिम आदमी था, उसने कहा कि वी आर द फाइनेस्ट रेस, जितना हम उसको कब्जा करें उतना ज्यादा अच्छा होगा। इन लोगों को देखो, ये तो बिल्कुल ही यानी जो के नमूने हैं, मोस्ट डेस्पिकेबल स्पेसिमेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी बिल्कुल ही जलील अकवाम है जो हमारे अलावा हैं। तो इनके ऊपर हम हुकूमत करेंगे तो इनको इनको भी फायदा पहुंचेगा। तो उसने इतने यानी मजालिम किए थे कि ये साउथ अफ्रीका में उसका स्टैचू बनाया गया था, बहुत करोड़पति, दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी था अपने जमाने में, और कैसे इतने यानी इतना पैसा बहुत सारे यानी जुल्म मजालिम से उसने जमा किए थे। तो उसका स्टैचू वहां गिरा दिया गया साउथ अफ्रीका में फाइनली, और अब तो ऑक्सफोर्ड में भी उसका स्टैचू गिरा दिया गया, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि ये जो हमने काम किया था ये ज्यादा अच्छा नहीं था। तो जो नैरेटिव है जो हमें सुनाई गई है कि मगरिब सबसे ज्यादा तहजीब याफ्ता था और हम लोग सब जंगली थे और उन्होंने आके हमें तहजीब पहुंचाई, तो जो इसकी काउंटर नैरेटिव है वो ये है कि ये लोग वहशी और जंगली थे, सारी दुनिया में मुख्तलिफ अकवाम में तहजीब पाई जाती थी, यानी सब लोग जानते थे कि सब अकवाम के अपना अपना कल्चर था, अपनी अपनी तहजीब थी, अपना अपना तरीक़ हयात था, और इन सब में बड़ी बड़ी खूबियां थी। ये जंगलियों ने जाके सारी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दिया। इसीलिए ये महात्मा गांधी का बहुत खूबसूरत कॉल है कि किसी ने उससे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसने कहा कि हाँ दैट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया, ये महजब हो जाए तो बहुत फायदा होगा। अब जरा एक हॉट एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, फर्ज करें अभी इस दुनिया से थोड़ा सा हट के, एक यानी कौम है वहशी जंगली मगर बहुत ताकतवर है, और उनके पास कोई है हमारे मुकाबले में, ये गुरूर है, और ये किसी तरह से सारी दुनिया पे कब्जा कर ले। तो ये लोग, ये कौम जो है, ये किस किस्म का मुआशरा पैदा करेगी, क्योंकि इनके यहाँ तो जंगल जंगली होना यही काबिल फख्र बात है। तो ये अपने बच्चों को सिखलाएंगे कि वो बच्चों के खेल होंगे जिसमें वो एक दूसरे को शूट करेंगे और उसमें वो गोर ऑन कर देंगे ताकि वो खून बहता हुआ देखें, और दुश्मन को जब वो शूट करें तो उसका बदन जो है वो पाश पाश हो जाए, और वो इसको इसमें वो मजा लेना सीखें। आज ऐसा ही हो रहा है। इनकी बेसिक फलसफा ये होगा कि हम लोग एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में रहते हैं, और यही एफिशिएंट तरीका है कि अगर मुझे मौका मिले काबू पा जाऊं मैं तुम पे, मैं तुम्हारा गला काट दूं, और तुम्हें मेरे ऊपर मिल जाए तो तुम मेरा गला काट दो, यही है तरीका हयात, और इसी से एफिशिएंसी पैदा होती है। यही बिजनेस में सिखलाया जाता है कि आपको यानी प्रॉफिट्स करनी है, आप अपने सारे रकीबों को उड़ा दें, दैट इज द वे टू गेट एफिशिएंसी। और ये कि इंसान की जाती खुशी जो है ना बाकी सारी चीजों पे गालिब है, आप किसी को कत्ल करने यानी मेरी खुशी के रास्ते में किसी और चीज को आना, ना मुआशरे की कदरें, ना मेरा खानदान, ना मेरी बीवी, ना मेरे बच्चे, कोई भी चीज मेरे रास्ते में नहीं है। जब मुझे अपनी कोई ख्वाहिश हो तो वो उसको कहते हैं कि योलो, यू ओनली लिव वंस, एक बार जिंदगी है, दोबारा नहीं है, तो इसमें मजे कर लो, लूट लो। तो कहते हैं कि ऑल इज फेयर इन परसूट ऑफ लव एंड वॉर, जिसको तशरीह कर दें कि प्लेजर पावर एंड प्रॉफिट्स, यानी कोई एथिक्स नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है। जब किसी आदमी के पैसा बना सकता है वो जिस तरह से बना ले, और ये बिल्कुल ऑफिशियली लिखा हुआ है बहुत सारी जगह पे। तो माशरे की तामीर होगी इन बुनियादों पर कि हर आदमी खुदगर्ज होगा, मतलब परस्त होगा, अपनी खुशियों को ढूंढेगा, और आपको अगर इकोनॉमिक्स किसी ने पढ़ी जाती है तो उसमें बाकायदा पढ़ाया जाता है कि
रैशनल बिहेवियर इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर, यानी ये ऐसी जहरीली बात है, इसको यानी इसको कुरान ने इसको मना किया है कि ये तो नफ्स परस्ती है, और नफ्स परस्ती तो जो आदमी ने अपने नफ्स को खुदा बना लिया उसकी तो फिर दीन से कोई वास्ता नहीं रहा। मगर जो अफसोस की बात है कि वो तो कहें इसका तो कोई गम नहीं, जो काफिर है इसके पास जन्नत जहन्नम का तसव्वुर नहीं, आखिरत का तसव्वुर नहीं, तो वो क्या करेगा, मतलब परस्त होगा, अपने ख्वाहिशात पे चलेगा, चले। जो मसला है वो तो ये है कि हमारा मुसलमान टीचर दाढ़ी वाला तहज्जुद गुजार उठ के यही सबक अपने, यही जहर अपने स्टूडेंट्स के दिमागों में भरता है, और बाकायदा मेरी लड़ाई हो चुकी है लोगों से इस मौजू पे कि वो कहते हैं कि नहीं, इस्लाम भी यही सिखलाता है। इन्ना लिल्लाह, क्या अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान में है कि अल्लाह ज़ुय्यन हुब्बु शहवात मिन नसाए वल कनातीर अल-मुकंतर, कि अल्लाह ताला ने इंसान की निगाह में मुज़य्यन कर दिया है घोड़ों को और चांदी से और सोने को और इस किस्म की दुनिया। तो देखो यही यही तो है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। तो ये जो बारबेरियन फलसफा है ना, ये आजकल दुनिया में फैल गया है और पाकिस्तान में फैल गया है, यानी हमारे जमाने में जब हम लोग आपकी उम्र के थे तो महजब कंपनी में कोई डॉक्टर अगर ये कह देता कि मैं तो डॉक्टरी इसलिए करता हूँ कि मुझे पैसे उसमें बनते हैं, तो लोग उसको बहुत बुरा समझते, यानी उसे उसको कहने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये बहुत बुरी मायूब बात समझी जाती थी कि किसी आदमी को। वो कहता है बेशक आज अगर कोई डॉक्टर स्टूडेंट कह दे कि मैं डॉक्टरी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ, तो लोग उस पर हंसने लगे, ये क्या कैसा बेवकूफ़ आदमी है, या ये हिपोक्रेट है, अपना शो मार रहा है। तो यानी इतना फर्क आ गया है, और ये लोग बाकायदा यानी लोगों को ट्रेन करते हैं कि मोरालिटी की कोई कोई वैल्यू नहीं। ये जो ट्रॉली प्रॉब्लम बहुत मशहूर है, इसका क्या मकसद है कि ट्रॉली प्रॉब्लम सुना हुआ है ना लोगों ने, कि एक ट्रेन जा रही है, आपके सामने एक स्विच है, वो दो शाखों पे जा सकती है, एक शाख अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो जिस शाख पे जाएगी उस पर एक आदमी बंधा हुआ है, वो उसको कत्ल करती हुई रौनती हुई चली जाएगी, दूसरी नहीं उस पर पांच आदमी बंधे हुए, मगर अगर आपने स्टिक मोड़ दी तो वो अपना रुख बदल लेगी और दूसरी वे पे पांच आदमी बंधे हुए, तो दूसरी पे सिर्फ एक बंधा हुआ है, तो अगर आप एक बंद तो आप पांच जाने बचा लेंगे मगर एक आदमी को आप कत्ल कर देंगे, तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो मतलब इसका यानी ऐसे एक फजूल मसला है, और इसको यानी इसके कई हल हैं, मगर यहाँ पे उसका हल निकालना नहीं है। मतलब ये है कि इस पूरे प्रॉब्लम से समझाया ये जा रहा है कि असल में एब्सोल्यूट मोरालिटी कोई नहीं होती, हर आदमी किसी न किसी मौके पे कत्ल करने को तैयार हो जाएगा, इसलिए ये कहना कि कत्ल करना बुरी बात है ये सब फरसूदा फलसफा है। एक माइकल सैंडल का लेक्चर है ऑन जस्टिस, बहुत यानी वो हार्वर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इसी यही जहर घोल के पिला रहा है, और इतनी खूबसूरती से पिला रहा है कि कोई आदमी सुने तो बिल्कुल कन्विंस हो जाए कि हाँ बात सही है। अच्छा, वो उनको वार्न भी करता है कि तुम लोग यहाँ आए हो जस्टिस और एथिक्स और मोरालिटी पढ़ने, तुम लोग समझते होगे कि इससे तुम बेहतर आदमी बन जाओगे, मगर मैं तुम्हें बतला दूं इससे तुम बेहतर आदमी नहीं बनोगे, ये पहले से उनको बतला देता है, फिर उनके यानी दिमागों को बिल्कुल घुमा देता है कि वो ये भी ठीक है कि किसी को कत्ल कर दो, और अगर आप किश्ती में जा रहे हैं, पानी वानी खत्म हो गया है, चार पांच आदमी है, तो एक अपने साथी को कत्ल करके उसका खून पी जाएं क्योंकि मजबूरी है, और ये भी ठीक है, इसमें क्या मजाक है। तो ये सारी चीजें यानी ताकि वो जो एक इंसान की फितरत होती है उसमें तसव्वुर होता है मोरालिटी, उसको तोड़ दें, क्योंकि इन लोगों को जाके आगे जाके वो लाखों का कत्ल करना है। ओबामा रोज सुबह को दस्तखत करता था जिसपे 10-15 लोगों के मासूमों के कत्ल किए जाते थे, इन लोगों को जाके ये लीडरशिप करनी है, तो अगर इनके दिल में कुछ फितरत की मोरालिटी रह गई बाकी, तो फिर ये काम कैसे कर सकेंगे। ये
टाइगर्स मूवी है, पता नहीं आपने, पाकिस्तान में बैन है मगर मेरे पास लिंक है, मैं दे सकता हूँ। इसमें उन्होंने दिखलाया है कि कैसे नेस्ले वाले बहुत अरसे से जानते बूझते के मिल्क पाउडर देने से बेबीज का कत्ल होता है, वो बेचते हैं, जानते हैं कि वो जो कंडीशंस हैं जिसमें ये फायदा करेगा वो अवेलेबल नहीं है, मगर अपना वो माल बेचने के लिए बेबियों का कत्ल जो है वो उनके उनको कोई इस पे शर्म नहीं आती। अच्छी मूवी है देखने के लिए, उर्दू में। तो अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं जो तकरीबन खत्म पे है, बल्कि वक्त भी खत्म हो रहा है, कि एथिक्स की बात कैसे हो सकती है जबकि इस तरह का मामला है कि हर चीज जायज है पैसा बनाने के लिए, फिर एथिक्स का तस्करा ही कैसे किया जा सकता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने एक बात मशहूर कर दी थी कि द ओनली बिजनेस ऑफ बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट, उसने बाकायदा इसको, और ये बाकायदा बिजनेस स्कूल में सिखाया जाता है कि बॉटम लाइन इज एवरीथिंग, इसकी खातिर जो कुछ कर गुजरो कोई मसला नहीं। हत्ता के यानी बहुत सारे केसेस हैं कि उन्होंने बैठ के कैलकुलेट किया, वो टोयोटा शेवरले की एक गाड़ी थी, तो उसमें यह होता था कि अगर उससे पीछे से टक्कर लगे तो वो गाड़ फट जाती थी और उससे आदमी मर जाता था। मैं बैठ के उन्होंने कैलकुलेट किया कि अच्छा कितने एक्सीडेंट, उन्होंने कहा कि 700 एक्सीडेंट्स होंगे, यानी उन्होंने स्टेटिस्टिक्स देख के, तो 700 आदमी, हम हर आदमी हम पे दावा करेगा, तकरीबन हमारा 1 लाख डॉलर फी आएगा, तो इतना इतने मिलियन डॉलर हमें खर्च करने होंगे इन सूट्स को, लॉ सूट्स को फाइट करने में, और अगर हमने रिकॉल कर लिया और इसको वो ठीक कर दिया तो उसमें हमें इतने मिलियन ज्यादा खर्चा आएगा, तो ज्यादा खर्चा है तो इसको जाने दो, क्योंकि उसमें रिकॉल करने में और जाने बचाने में खर्चा ज्यादा है, इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। तो इससे जो है, जब इन्होंने ये मिल्टन फ्रीडमैन की पॉलिसी फॉलो की, तो इससे बिजनेस बहुत बदनाम हो गया और अभी भी बहुत बदनाम है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट्स लोग जो हैं वो बहुत जुल्म कर रहे हैं सारी दुनिया में, और इसकी यानी बहुत शोहरत हुई। तो फिर ये आइडिया है कि हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, ये भी आपको किताबों में देख लेंगे कि इसलिए नहीं है कि हमें कोई जिम्मेदारी है, बल्कि इसलिए कि हमारा इमेज बेहतर हो, हमारा इमेज बेहतर होगा तो इसे हमें और प्रॉफिट्स आएंगे। तो वो हमारी वो अहदीस में आया कि वो आदमी आएगा और अल्लाह ताला पूछेंगे कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया था, तुमने क्या किया? अल्लाह ताला, आपका पैसा मैंने हर नेकी के मौके पे खर्च किया। उसने कहा कि ये तो तुमने इसलिए कि तुम्हारा दुनिया में नाम रहे, तुम्हारा नाम रहा यहाँ तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो ये तो कॉर्पोरेट सोशल में यही बतलाते हैं कि भाई करना है इसीलिए कि इसमें हमारा नाम बने, अगर आप किसी को खामोशी से कुछ दे देंगे उसका तो कोई फायदा ही नहीं। तो इसका फिर असर ये होता है कि आप 1,000 डॉलर की नेकी करते हैं और 10,000 डॉलर उसकी एडवर्टाइजिंग पे खर्च करते हैं, क्योंकि मकसूद तो शोहरत है, मकसूद नेकी नहीं है। तो ये एक है शोशाना जुबॉफ, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रोफेसर, इसने लिखा है कि हम लोग मुखलिस थे, हम लोग यानी जालिम लोग नहीं थे, मगर जो हमने पढ़ाया उसकी वजह से बहुत रियल सफरिंग और बहुत सारा मसाइल पैदा हुए हैं। तो अब यानी तकरीबन खत्म करने पे आए, तो हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली हमारा पैगाम बहुत सिंपल है, और बिजनेस में अल्लाह यानी हदीस में आया है कि जो तुजार हैं इनका तो सिद्दीकीन और शहदा और सालहीन के साथ होगा बड़ा मकाम, मगर ऐसा इसलिए नहीं होगा कि अगर आप बॉटम लाइन देखेंगे यानी प्रॉफिट्स, बल्कि इसलिए होगा कि आपका मकसद खिदमत है। तो बहुत सिंपल सा पैराडाइम शिफ्ट है। हमारे एमबीए प्रोग्राम सिखलाते हैं कि यू शुड डू सर्विस इन ऑर्डर टू अर्न मनी, इस्लाम हमें कहता है कि यू अर्न मनी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विस, सिंपल सी बात है। अब इसको अगर आप ये एक बात समझ लें तो सारा यानी वो सब चीज बदल जाती है, एवरीथिंग चेंजेस। लोग लोग कहते हैं कि ये तो बहुत नाइव बात है, सर्विस खिदमत को मकसद बनाना, भाई इस्लाम जो है वो बहुत प्रैक्टिकल दीन है, ये नहीं है कि आप जाके पैसा लुटाना शुरू करें, किसी ने ये नहीं कहा। आप जरूर प्रॉफिट्स बनाएं, प्रॉफिट्स बनाएं, अपने ऊपर खर्च करें, अपने एम्प्लॉयज पे खर्च करें, क्योंकि
उनको भी मोटिवेटेड रखना है और ये भी खिदमत प्रोवाइड करने का जरिया है। तो और आप पैसा प्रॉफिट्स जमा करके अपने बैंक में रखें ताकि उसके जरिए से आप रिसर्च और इनोवेशन कर दें कि मैं अपनी खिदमत को कैसे इंप्रूव करूं, इसके लिए सर्वेस करें, सारी चीज कर सकते हैं। बस मकसद जो है वो आपका प्रॉफिट्स है, मकसद जो है वो प्रॉफिट्स नहीं है बल्कि खिदमत है। जब आपने इंसानियत की खिदमत का मकसद बना लिया तो ये बहुत ही आला काम है। यानी इसकी यानी बेशुमार अहादीस हैं कि खिदमत इंसानियत से क्या मिलता है, साबित है इतकाफ में। और वो उठ के छोड़ के चले आए किसी आदमी की मदद करने के लिए, तो उसने पूछा आप इतकाफ में हैं? तो उन्होंने कहा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो आदमी एक कदम किसी अपने मुसलमान भाई की मदद के लिए लेता है तो उसको 70 साल या 10 साल इतकाफ का सवाब मिलता है। तो और ये चाहे उसकी मदद करने से उसको फायदा हो ना हो, यानी अपने एफर्ट पे है। तो इस तरह से अगर हम लोग अपना बिजनेस इस नियत से चलाएंगे कि हमें इंसानियत की खिदमत करनी है, और वो भी इंसानियों से हमें कुछ नहीं तलब करना, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की खातिर, तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसका कोई वेस्ट में किसी की किताब में कोई तज़किरा नहीं मिलेगा इसका। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इम्तहान गाह बनाया है, और ये नहीं कि हम लोग छोटा मोटा प्लस माइनस करके आ जाएं कि पास हो जाएं थोड़े से नंबर से, बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप ए ग्रेड हासिल करने की कोशिश करें, ठीक है मिले ना मिले, मगर हमारी कोशिश तो ये हो कि हम यानी सबसे बेहतरीन अमल करके ले जाएं। ये नहीं है कि किसी ना किसी तरह से पास हो जाएं। आजकल जो सबसे यानी जो तकवा वाले हैं वो कहते हैं कि बेसिकली मकसद जिंदगी तो यही है जो मगरिब वाले बतला रहे हैं कि अपना पैसे के पीछे पड़ो, लज्जतों के पीछे पड़ो, मगर हराम में नहीं डालना, यानी एक सब सब चीजें हलाल तरीके से कर लो। ये वो नहीं है जो आपको अहसन अमला तक ले जाएगी, ठीक है इसका भी एक मुकाम है, हम इसको बुरा नहीं कहते कि अपने आप को हदूद के अंदर रखना, मगर ये अहसन अमला तक नहीं पहुंचाएगी। और मकसद यही है कि जो बेस्ट उसको करना। तो यहां से बेसिकली मेरी वो तकरीर तो खत्म हो गई, मगर आगे क्या करना है तो इसके बारे में मेरे बहुत सारे एसेज हैं। एक तो है कि हाउ टू क्रिएट एन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इसकी लिंक दी हुई है। जो असल मसला है प्रॉब्लम का वो ये है कि ये एक सोशल साइंस हमें सिखलाया जा रहा है जिसमें बिजनेस भी शामिल है, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बेशुमार डिसिप्लिन, सारा का सारा फरेब और धोखा है। धोखा इसलिए है कि जब हम कहते हैं सोशल साइंस तो इसका मतलब यह है कि एक सोसाइटी की, एक मुआशरे की स्टडी हम करें। तो वो कौन सा मुआशरा है? वो यूरोपियन मुआशरा है, तो यानी ये वेस्टर्न, हमारा मुआशरा नहीं। तो अब उन्होंने क्यों इस पे जो लव साइंस है उसका मतलब तो ये है कि सारे आलम के लिए ये वैलिड है, साइंस का मतलब ही यही है, दावा ये है। तो उनका ये कहना है कि हमारा मुआशरा जो है वो आइडियल है, जो कोई भी यानी तरक्की करना चाहता है वो हमारे ही मुआशरे पे आएगा, इसलिए हमारा साइंस जो है वो सबके लिए वैलिड है। ये बिल्कुल गलत बात है और ये झूठी बात है, मगर चूंकि हम उनसे इतने मरूब हैं, हम कहते हैं कि उन्होंने तो एटम बम बना लिया तो वो कोई गलत बात तो कर ही नहीं सकते हैं, झूठ बोलना तो उनको आता ही नहीं है। तो अब ये भी साइंस है, तो जब न्यूटन लॉज ऑफ फिजिक्स हैं उसी तरह से हमारी इकोनॉमिक्स की लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है, हालांकि इन दोनों में कोई मुकाबला नहीं। लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड बोगस चीज है, फालतू है, और लॉ ऑफ फिजिक्स जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी वो अपनी जगह पे मुस्तनद है। तो इसमें मेरे दो पेपर्स हैं, एक छोटे है एक बड़ा है, जिसमें मैंने दिखलाया है कि बेसिकली जब इन्होंने अपना दीन से इनकार किया ना तो फिर इनको सोशल साइंस बनाने की जरूरत पेश आई, क्योंकि दीन सिखलाता है हम आपस में कैसे बिहेव करना है और सारी मामलात का, कि अदालत का निज़ाम क्या होगा और मईशत का निज़ाम क्या होगा। तो सारे निज़ामों में चूंकि उन्होंने दीन तर्क कर दिया तो इनके सारे क्वेश्चन ओपन हो गए, तो उसका जवाब जो उन्होंने दिया उसको सोशल साइंस कहते हैं। तो इसका एक अल्टरनेटिव मैंने स्केच किया है कि हम इनके सारे उलूम को तर्क कर दें, और इब्ने खल्दून ने एक इल्म की बुनियाद रखी थी जिसको हम उमरानियात कह सकते हैं, उसने कहा था कि
एंड इसका नाम हो सकता है कि द साइंस ऑफ लिविंग टुगेदर, कैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ निभा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे चीजें हैं, तो हम उस बुनियाद से शुरू करें, क्योंकि जो जो उन्होंने किया ना वो गलत पटरी पर चल पड़ी पूरी इंसानियत। अब हमें उसको फिर से इस आवे का आवा बिगड़ा हुआ इसको दुरुस्त करना है। एक मैंने जो असल मसला है हमारा वो ये है कि हम इसका इकबाल ने खूबसूरती से कहा कि खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना होने जाए। उस वक्त इकबाल मियां तो बच गए, मगर हम लोग नहीं बच सके। हमारी आंखों को मगरिब के इल्म की चमक दमक ने वो खीरा कर दिया। तो यही सबसे बुनियादी मसला है। तो एग्जैक्टली सेम मसला पैदा हुआ था इमाम अल गजाली के जमाने में, जब लोग जो है वो ग्रीक उलूम से बहुत मुतासर हुए थे, और उन्होंने कहा, जो मुअज्जला थे उन्होंने कहा कि ये ग्रीक उलूम और कुरान ये बराबर है, और यही मुअज्जला का दावा था। और इसी को इमाम गजाली ने तहाफतुल फलासफा में कहा कि नहीं, ये फलासफा जो है बकवास करते हैं, और हमारे और अहिया उलूमुद्दीन में उन्होंने बतलाया कि दीन कितना सुपीरियर रास्ता हमें देता है। तो आज भी हमें यही जरूरत है कि आज सारी उम्मत जो है वो मगरबी उलूम से बहुत मरूब है। हम अपने सब बच्चों को मगरबी उलूम सिखला रहे हैं, कोई उनको कुरान हदीस सिखलाते नहीं, क्योंकि ये सब तो ऑब्सोलीट चीज है ऑन द पास्ट। तो अब हमें यहाँ पे एक दावा है कि एक्चुअली कुरान हमें बेहतरीन रहनुमाई आज भी करती है, मगर ये दावा है, इसकी कोई दलील नहीं है हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है। दलील पैदा हमें करनी है, यानी मुझे करनी है, आपको करनी है। दलील करना पैदा करने का मतलब कि हमें उससे गाइडेंस लेकर आज के मसलों को हल करके दिखलाना है, ये किया नहीं है किसी। तो जब हल करके दिखाएंगे तब हम कह सकेंगे हाँ कुरान हमें। मगर हकीकत यह है कि इस वक्त हम कहेंगे मुल्क की इकॉनमी के मसलों को हल करो, तो न कहेंगे कि अच्छा हार्वर्ड से किसी एक्सपर्ट को बुला लेते हैं। मैं कहता हूं और मैं इसके यानी बिल्कुल सॉलिड कि कोई आदमी अगर कुरान और हदीस से रहनुमाई लेकर के अपने मसलों को हल करना चाहे, वो हार्वर्ड एक्सपर्ट तो मामला तबाह कर देगा, बिगाड़ देगा, वो उससे बहुत बेहतर कर सकता है। मगर आजकल दोनों चीजें चाहिए, एक तो कॉन्फिडेंस, तवक्कुल अल्लाह ताला के इल्म में कि चीज अल्लाह ताला ने दी है वो यकीनन बहुत कीमती है और बहुत बेहतर है हर उस चीज से जो सारे दूसरे लोग हासिल कर सकें। बेशक काफिर जो है वो अंधेरे में है और ईमान वालों के पास ईमान का नूर है, मगर ये ईमान का नूर काफी नहीं है उसको, यानी अल्लाह ताला ने हमें रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं दिए हैं, बल्कि हमें मुजादला करना है और उसको इस्तेमाल करके दिखलाना है। दिखलाना है कि ये जो हमें इनसाइट्स देता है ये आज भी उतनी ही कीमती है जितनी 1400 साल पहले थी। जिस तरह से 1400 साल पहले ये डायनामाइट बनकर आई और सारी दुनिया में चमका दिया, आज भी इस इल्म में वही तासीर है, वही ताकत मौजूद है। तो मेरी कुछ ब्लॉग